The biggest cricket event has begun. Yes, ICC Cricket World Cup 2019 आपके लिए लेकर आए हैं क्रिकेट का सबसे बड़ा शो नॉर्थ अमेरिका में. हम आपको देंगे लेटेस्ट न्यूज, इनसाइड एंड आउटसाइड अपडेट, मैच एनालिसिस, टीम एंड प्लेयर स्टैट्स, ट्रिविया क्वेश्चन, सरप्राइज इंटरव्यू एंड एक्साइटिंग प्राइजेस. देखिए मैच पॉइंट रोजाना रात 9 बजे डॉक्टर अदनान के साथ सिर्फ ई आवाज टीवी पर, फेसबुक ई आवाज या फिर eawaz.com. घर लेना हो या फिर लिस्ट करना हो, हारिफा मुजफ्फर को कॉल करो. इन्वेस्टमेंट करने का घर हो इरादा, हारिफा मुजफ्फर को कॉल करो. बरसों से जाना पहचाना काबिले एतमाद नाम रियल स्टेट की किसी भी जरूरत के लिए कॉल कीजिए 6478986245 6478986245 सिटी स्केप रियल स्टेट की. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और एक बार फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं लाइव ट्रांसमिशन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 नॉर्थ अमेरिका से मैच पॉइंट. जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये लाइव प्रोग्राम होता है और आप जो हैं हमारे साथ जुड़ते हैं फेसबुक के थ्रू. हमारा फेसबुक पेज है eawaz.com और आप हमारी ट्रांसमिशन ई आवाज़ टीवी पर भी देख सकते हैं, तमाम आईपी बॉक्सेस पर, जादू पर, और जो है वो आप हमें ऑनलाइन भी देख सकते हैं. अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.eawaz.com. आप लोगों के जो है वो शो के जो है बहुत सारा फीडबैक आ रहा है, आप लोग उसको पसंद कर रहे हैं. आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप इस ट्रांसमिशन को पसंद कर रहे हैं और आप लोगों की बहुत सारी सजेशन भी जो है वो हमें रिसीव हो रही हैं कि इस शो को जो है, जैसे हमने पूछा था कि कंटिन्यू जो हमने करना है कि वो वीकली करना है या बाई वीकली करना है, तो बिल्कुल आप लोगों की सजेशन जो है वो हम इसको नोट कर रहे हैं और हमारी टीम जो है, हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर अदनान और जिशान जो होते हैं वो सब इस पर जो है वर्किंग कर रहे हैं. आप जो है वो हमसे जुड़ सकते हैं, बिल्कुल नंबर स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है, आप सब देख रहे हैं 6477257892 6477257892. एज़ यूजुअल हमारे साथ जो है वो डॉक्टर अदनान इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं, जिशान हमारे साथ शामिल हैं, तो बिल्कुल क्विकली मेरे ख्याल से उनको जो है इस प्रोग्राम में पहले खुश आमदीद करते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अदनान एंड जिशान. जी डॉक्टर अदनान, कैसे आप दोनों सब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए. जी बिल्कुल ठीक ठाक. मेरे ख्याल से मैं इस वक्त जो है बगैर किसी वक्त को जो है आप लोगों के साथ लेते हुए मैं जिशान की तरफ जाता हूं और उनसे पूछता हूं कि आज का जो है वो क्या मरहला रहा, किसका मैच हुआ. ऑल्दो के जाहिर है आप सब जानते हैं जो देखने वाले फॉलो कर रहे हैं मैच पॉइंट को भी और वर्ल्ड कप को भी, कि जो है वो चार टीमें जो हैं वो डिसाइड हो गई सेमीफाइनल्स के लिए. तो जिशान की तरफ जाते हैं पहले, उनसे पूछते हैं कि उनके पास क्या खबर है. जी जिशान. जी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, मेरी तरफ से सभी ई आवाज़ और मैच पॉइंट के देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम. आप जुड़ चुके हैं नॉर्थ अमेरिका के सबसे बड़े क्रिकेट शो मैच पॉइंट में, डॉक्टर अदनान हमारे साथ हैं.
بتائیں گے آپ کو لیٹسٹ نیوز اور تازہ ترین خبریں ہیڈ لائنز دیں گے. لیکن تھوڑا سا مختصر بھی بتا دوں کہ آج جو ورلڈ کپ 2019 کی جو فارمیلٹی تھی وہ پوری ہو چکی, یعنی کہ راؤنڈ کے جو بھی میچز تھے آج وہ اختتام پذیر ہوئے. کل سنڈے اور منڈے کو جو ہے آرام کا دن ہے, اور پھر ٹیوزڈے کو جو ہے پہلا سیمی فائنل کھیلا جائے گا, اور سیمی فائنل کے لیے بھی جو ہے ٹیموں کی جو تعین ہے وہ بھی عمل میں آ چکا ہے, اور جو چار جو ٹیم اس طرح سے فرائیڈے میں جو ہے اس کا انعقاد ہو چکا تھا, یعنی فائنلائز ہو چکی تھی, تو وہ ہم اسکور کارڈ بھی انشاءاللہ ہماری پروڈکشن ٹیم سے کہیں گے کہ دکھائیں ہمیں, تو وہ چار ٹیمیں کون کون سی ہیں وہ آپ دیکھیں گے, اور کون کون سا جو ہے پہلا سیمی فائنل کس ٹیموں کے درمیان کھیلا اور دوسرا سیمی فائنل کن ٹیموں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. تو یہ چار ٹیمیں ہم نے آپ کو بتائی تھی, اور پہلا جو سیمی فائنل کھیلا جا رہا ہے وہ کھیلا جائے گا مانچسٹر میں ٹیوزڈے کو 5:30 بجے انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان, اور دوسرا میچ کھیلا جائے گا ایڈمنٹن میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے مابین وینسڈے کو صبح 5:30 بجے ٹورانٹو اور یو کے. جی یہ ہمارے ساتھ تفصیلات جو ہے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. چار ٹاپ ٹیم جو ہے شروع ہوگا اصل مارکر جس کا جو بے سبھی سے انتظار ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, چار ٹیمیں جو ہیں آپ خوش آئین ہیں؟ جی زیشان جو چار ٹیمیں آپ نے بتائی, جی انڈیا فائنلی ریمینڈ دا نمبر ون ٹیم آف دا ٹورنامنٹ. عام خیال یہ تھا کہ آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ ٹاپ کرے گی جیسا کہ وہ شروع سے کر رہی تھی, اور آسٹریلیا جو ہے اس کو لیڈ کرے گا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا جو ہے وہ اس نے ٹاپ کیا, دیٹس وائی اب انڈیا جو ہے وہ آسٹریلیا سے کھیلنے کے لیے کھیلنے سے بچ گیا. سو اٹ مینس ان دا ادر ورلڈ, اگر وہی بات ہے عامر کہہ رہے تھے نا کہ کرکٹنگ سینس انڈیا سروائیوز اندر ڈے, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا ہوگا. معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے کیونکہ نیوزی لینڈ کا پڑ گیا ہے سیمی فائنل. نیوزی لینڈ کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان اس سیمی فائنل میں موجود نہیں ہے اس لائن اپ کے اندر, لیکن ابھی ہم آپ کو ڈسکشن بتائیں گے, انٹرسٹنگ ڈسکشن یہ سیمی فائنل کی. اور سیمی فائنل جب ورلڈ کپ میں ہوتے ہیں, چاہے وہ 1975 کا ورلڈ کپ ہو, 69 کا ہو, 83 کا ہو, 87 کا ہو, 92 کا ہو, لیکن اس کی ایک میتھولوجی ہوتی ہے, اس میتھولوجی میں ورک آؤٹ کیسے ہوتا ہے وہ اصل حقیقت ہم آپ کو سیمی فائنل سے ایک رات پہلے بتائیں گے, لیکن کچھ آپ کو اس کی میں نکھو دوں گا کہ بھارت جو ہے وہ کس چیز سے بچ گیا. جی تو جس طرح افغانستان سے جیتنے کے بعد پاکستان سروائیوڈ اندر ڈے, اب انڈیا گاٹ اندر ڈے. سیمی فائنل لائن اپ کے اندر انڈیا فنش دا نمبر ون ٹیم ایٹ دا پوائنٹس ٹیبل میرے سامنے جو آ رہا ہے, اور سیمی فائنلز کے اندر جیسا کہ ذیشان نے آپ کو بتایا کہ انڈیا ورسز نیوزی لینڈ ول بی دا گیم نمبر ون on 9th of July at the Old Trafford Manchester, اور سیکنڈ جو سیمی فائنل ہے آسٹریلیا, جیسا کہ ہم پہلے بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے ایسا ہو, اور وہ ہو گیا او ڈی آئی ورژن آف ایشز جو ہیں سنس 1877 ورژن دیکھنے جا رہے ہیں. آج سے پہلے دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ سیمی فائنل میں کبھی اس طرح سے نہیں جڑی جس طرح سے یہ رائیولری جو ہے یہ کھل کے سامنے آ رہی ہے. تو زیادہ یہ حیران کن نہیں تھا کیونکہ اگر آپ میں ماضی میں جاؤں پچھلے سال میں پچھلے ورلڈ کپ پہ 2015 تو سوائے انگلینڈ کی ٹیم کے, انگلینڈ کی ٹیم چونکہ ہوم ٹیم تھی, فیوریٹ ٹیم تھی, اچھا کھیل رہی تھی, اندر پہنچی, لیکن اگر آپ باقی تین سیمی فائنلسٹ اٹھائیں تو وہ وہی ہیں کسی حیرانی کے بغیر جو 2015 کے تھے. ساؤتھ افریقہ couldn't make to them, اچھا ہی ہوا کیونکہ ساؤتھ افریقہ نے ویسے ہی ہارنا تھا سیمی فائنل میں, تو اچھا ہے کسی اور کو چانس ملے ورنہ ساؤتھ افریقہ نے پتہ نہیں کیا کرنا تھا. بہرحال دونوں کے لیے ایک لک فیور ہے یہاں پر. انڈیا کے لیے بڑا اچھا ہو گیا, ایک تو سائیکولوجیکلی وہ نمبر ون پہ چلے گئے, اوپر سے ان کو ٹیم تھوڑی آسان مل گئی. آسان میں ابھی ویسے کہہ رہا ہوں اتنا آسان نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں آسان مل گئی. آسان اس طرح کے دیکھیں اگر اس کا جو ان کی بیٹنگ سٹرینتھ دیکھیں اور مخالف ٹیم کی بولنگ سٹرینتھ دیکھیں تو آسٹریلیا سے اور انگلینڈ سے بھارت کی ٹیم کو خطرہ تھا. صرف نیوزی لینڈ وہ ٹیم ہے جس سے بھارت کے بیٹس مینوں کو جو نمبر چار کا معما ہے اور جو سمسیا ہے جو ان کی حل نہیں ہو رہی, اس ٹیم جس ٹیم کے پاس تھوڑا سا لوپ ہول ہے وہ ٹیم نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے. اسی طرح بھارت جو بیٹنگ لوپس ہول ہے وہ انگلینڈ اور آپ کی آسٹریلیا کے اندر بڑے کم ہے. نیوزی لینڈ وہ ٹیم ہے کہ کین ولیمسن اور ٹیلر کی پارٹنرشپ اگر توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے بھارت تو انڈیا آر ہیونگ اے ویری سموتھ سیلنگ. اور
मेन बात क्या है कि भारत की टीम जो है वो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर जिस तरह हेडिंगले लीड्स पाकिस्तान का शहर माना जाता है, ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर जो है दैट इज फेमस फॉर द इंडियन विंस, इंडिया के लिए वो बड़ा साजगार ग्राउंड है। इसी तरह जो एजबेस्टन का ग्राउंड है, ऑल्दो कि ये सारे ही इंग्लैंड के होम ग्राउंड है, लेकिन एजबेस्टन जो है उसकी पिच और टॉन्टन की पिच हमेशा से तारीख बताती है कि इंग्लैंड के लिए बड़ी मेहरबान रही है। ओवल और लॉर्ड्स की जो पिचेस हैं ये इंग्लैंड के लिए कभी भी साजगार नहीं रही, तो ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है इंग्लैंड की टीम का कि इंग्लैंड की टीम को यहाँ पर अपने फेवरेट ग्राउंड के ऊपर जो है वो सेमीफाइनल खेलने का मिलेगा। और दूसरी बात ये जो आपने लाइन अप बताया जीशान ने कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इस वर्ल्ड कप में हर टीम जो है हर टीम से मिली टॉप क्लास टीमें, पाकिस्तान ने दो सेमीफाइनल्स को शिकस्त दी है, लेकिन इस सेमीफाइनल दौड़ के अंदर दो टीमें ऐसी हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया जो दोनों मिलने जा रही हैं ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, और इनका अभी तक क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के अंदर राउंड रॉबिन लीग होने के बावजूद टकरा नहीं हो सका। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोनों के जो ट्रंप कार्ड है दोनों के जेब में है, ऑन पेपर तो उनको वीकनेस पता है, बैटिंग स्ट्रेंथ पता है, उनको इंडिया के प्रॉब्लम्स पता है, उनको मालूम है कि विजय धवन कहां पर हैं, विजय शंकर जा चुके हैं, उनका फोर नंबर के प्रॉब्लम में धोनी के साथ क्या हो रहा है, फिनिशिंग मूव में क्या हो रहा है, विराट कोहली अपनी बेहतरीन नेक में वो कन्वर्जन रेट के अंदर नहीं आ रहे, रोहित शर्मा इज द डेंजर मैन, राहुल नहीं चल रहे थे लेकिन राहुल जो है वापस क्लिक होना शुरू हो गए हैं, तो अब पेपर्स पे उनको नजर आ रहा है लेकिन ऑन कार्ड्स नजर आ रहा है, लेकिन इन द ग्राउंड दोनों टीमें एक दूसरे से नहीं खेली, तो ये इनकाउंटर जो है बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड कप दे गोना सेव, क्योंकि नेचर ने इससे पहले ये टाकरा जो है वो रोक दिया था। अब यहां पर बड़ी दिलचस्प बात आ गई है, अगर यहां पर बारिश हो जाती है, जो ओल्ड ट्रैफर्ड है वहां पर भी ये बारिश का शहर है, अगर ओल्ड ट्रैफर्ड में बारिश हो जाती है तो इस वर्ल्ड कप में अब जो ये सेमीफाइनल की दौड़ है इसमें एक एक्स्ट्रा डे है, अब एक्स्ट्रा डे होने की वजह से मैच जो है अगले दिन जाएगा, लेकिन अगर अगले दिन भी बारिश हो जाती है तो फिर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाएगी। उसमें फिर दो सूरते हाल है, एक सूरते हाल ये है कि नेट रन रेट देखा जाएगा कौन सी टीम ऊपर है, या माइकल होल्डिंग की तजवीज देखी जाएगी कि माइकल होल्डिंग ने क्या कहा था कि जिसने पूल मैच में दूसरे को शिकस्त दी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये रूल अप्लाई करने में बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि ये शुरू से ये चीज नहीं रखी गई थी, ये सिर्फ 99 के अंदर रखी गई थी, तो लेट्स सी कि अब ये कैसे टकरा बैठता है और ये क्या होता है अगर बारिश होती है, तो वेरी एक्साइटिंग लाइन अप। क्लियर इनके रूल्स डिफाइन नहीं है डॉक्टर अदनान आईसीसी की तरफ से अभी तक जो रूल्स हैं उसमें देखें नेट रन रेट ही है, पाकिस्तानी दुनिया भर से जो समझदार हैं, जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं एज अ जर्नलिस्ट हैं काफी टाइम से, वो इस चीज को जो है वो पसंद नहीं कर रहे रन रेट वाले को, वो यही बात हो रही थी कि अगर किसी के पॉइंट्स मैच हो गए तो फिर ये देखा जाए कि राउंड मैचेस में जो है वो किसने किसको हराया। लेकिन ये भी फिर बड़ी दिलचस्प बात है इसमें कि जब 99 का वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो तो उसका जब सेमी फाइनल हुआ तो वहां पर जो साउथ अफ्रीकन फैंस थे और बेशमार पाकिस्तानी जो थे वो भी उस वक्त साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे थे, तो उस वक्त उस रूल के ऊपर भी काफी गमो गुस्से का इजहार किया गया था कि साउथ अफ्रीका इतनी अच्छी गेम खेलने के बाद क्यों बाहर हो गया, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में नेट रन रेट साउथ अफ्रीका जो है वो ऑस्ट्रेलिया से 2.1 के मार्जिन से आगे था, लेकिन सिर्फ इस रूल की बिना पे कि सुपर सिक्स में सुपर सिक्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने चूंकि शिकस्त दे रखी थी तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान के साथ फाइनल खेलने का हकदार है, तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों जाने पे आपने देखना है कि वेटेज किस तरफ है। लेकिन देखें नेट रन रेट का अक्सर गुस्सा आमिर वो काफी लोगों को है, पाकिस्तानी कौम में भी पाया जाता है, लेकिन मैं दोबारा ये कहता हूं मैच पॉइंट पे कि पाकिस्तान के लड़के जो है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ये खुद इस नेट रन रेट की जिम्मेदार थी, कल भी हमने बात किया, अभी तक हमें जो चीज पिंच कर रही है वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो -5.38 पे हम गए वो उससे पाकिस्तान टीम कभी भी रिकवर नहीं कर सकी। अब अगर आप पॉइंट्स टेबल देखें तो पॉइंट्स टेबल में जो चार सेमीफाइनलिस्ट हैं वो चारों प्लस में हैं और उनसे एन नीचे पाकिस्तान की टीम वो 11 शो कर रही है पॉइंट्स, न्यूजीलैंड भी 11 शो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इज द ओनली टीम
with a top double figure, aur kisi team ke double figure mein points nahi hai. Pakistan is the only team in the double figures with a minus run rate. Bahut thoda margin hai minus ka. Agar Pakistan ko ek game aur mil jata, I mean ki agar for isme ek aur team hoti, x y z koi bhi Zimbabwe hota, Kenya hota, to shayad phir Pakistan ke paas chance tha ki wo usko cross kar le aur kam se kam New Zealand ke palla aa jaye. Lekin is surat-e-haal ke andar itna behtar khelne ke bawajood, four games on the trot jeetne ke baad, itne bade margin se 94 run se Bangladesh ko shikast dene ke bawajood jo hai Pakistan ki team phir bhi points mein jo hai wo minus mein New Zealand se niche thi. Bilkul sahi keh rahe hain Dr. Chane. Ab to jo ho gaya theek hai, ab aane wale waqt mein ab zahir hai ab World Cup jo hai wo aage badhta ja raha hai, jaise aapne kaha ke semi-finals jo hai decide ho gaye. Main ab ye dekhna chahta hu ki ab आगे जो है वो आपको क्या लगता है कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं इस वक्त, मतलब कह लें कि 70% लोग इस वक्त डिक्लेयर कर चुके हैं या उन्होंने सोशल मीडिया पे ये काफ़ी रूमर फैल रहा है, मेन स्ट्रीम में भी आता जा रहा है, वो बातें हो रही हैं डॉक्टर अदनान इंग्लैंड की, क्या कहेंगे कुछ इस पर? देखें, इंग्लैंड की टीम को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है. इंग्लैंड की टीम मैं जाती तौर पे अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इस वक्त इंग्लैंड की जो जे स्ट्रीम लाइन है बहुत उससे मैं मुतासिर हूं उनकी स्ट्रेंथ से. लेकिन जो मेरी मायूसी हुई जब वो पाकिस्तान से शिकस्त खाई और पाकिस्तान के बाद भी उन्होंने दो मैच जो हारे, तो मैंने वहां देखा कि 19-20 के फर्क से हम पाकिस्तान बेचारे को तो हम इल्जाम देते रहते हैं कि बैटिंग फ्लॉप है, लेकिन जब उनके भी जो दो मिडिल ऑर्डर क्लिक नहीं करते जिसके अंदर इयन मॉर्गन या जोस बटलर जो रूट, इन तीनों के दरमियान जब खिचड़ी जो है वो स्मूथ नहीं होती तो हाल इनका भी बहुत बुरा होता है. लेकिन अगर मैं फिर भी लेकिन अगर राइट नो कंपेयर करूं सेमीफाइनलिस्ट की दौड़ में जो टीमें हैं, तो जो सबसे अच्छा और मजबूत मिडल ऑर्डर है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का है. इनसे ज्यादा बेहतर मिडल ऑर्डर किसी और टीम का नहीं है. भारत की टीम का मिडल ऑर्डर इस वक्त खतरे से खाली नहीं है. अगर खुदा ना खास्ता सेमीफाइनल में रोहित शर्मा और विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की तरह आउट होते हैं तो भारत शदीद मुश्किलात का शिकार हो सकता है. अच्छा, आप कह रहे हैं कि भारत के लिए जो है, अच्छा बहुत इस वक्त जो है वो बातें हो रही है, जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो सरवत अहमद है वो भी जो है वो ये कह रहे हैं कि मतलब डोंट यू थिंक न्यूजीलैंड इज ऑल्सो अ चोकर, क्या चोकर्स, या मतलब चोकर्स, वो भी जो है जिस तरीके से उन्होंने जो है वो मैच खेला तो वो ये अपना बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे उनका इस वक्त क्या जो है वो चांसेस हैं. जी सरवत जो बता रहे हैं वो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन न्यूजीलैंड जो चोकर है अगर आप तारीख उठा के देखें 1983 से, जब 1983 वो टाइम था जब वो सेमीफाइनल की दौड़ के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे और पाकिस्तान ने उनको लास्ट मैच के अंदर लीग मैच में रिचर्ड हेडली की टीम को इमरान खान और अब्दुल कादर की टीम ने शिकस्त दे दी थी और वहीं पर एक बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड भी बना था इमरान खान का. उन्होंने उससे पहले मैच में सेंचुरी भी बनाई थी श्रीलंका के खिलाफ, 102 रन की बारी खेली थी, मैच बचा गए थे पाकिस्तान के लिए. न्यूजीलैंड इज अ चोकर इन द डेथ गेम्स इन द वर्ल्ड कप व्हेन पाकिस्तान इज इन्वॉल्व. कहीं भी आप हिस्ट्री उठा के देख, 92 की उठाए, 99 की उठाए, 96 में वो क्वार्टर फाइनल में आउट हो गए थे, उसके बाद जहां जहां आप नीचे आते हैं न्यूजीलैंड्स आर चोकर्स व्हेन पाकिस्तान इज देयर. मैं वही कल भी मैं मजाक में यही कहता रहा जिशान को कि न्यूजीलैंड इज सेफ क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सेमीफाइनल में नहीं है. पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं था तो न्यूजीलैंड, लास्ट टाइम भी पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं था तो लास्ट टाइम दिस वॉज द फर्स्ट. देखें एक बात आपको मैं बता दूं आमिर, कल मैंने जिक्र किया था प्रोग्राम में कि न्यूजीलैंड एंड सेमीफाइनल, न्यूजीलैंड एंड माफ कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया द मोस्ट सक्सेसफुल सेमीफाइनलिस्ट, 8 मरतबा दोनों को सेमीफाइनल में पहुंचने का एजाज है. इससे ज्यादा किसी टीम के पास रिकॉर्ड नहीं है कि वो सेमीफाइनल में पहुंचे. 8 मरतबा, 8 रिकॉर्ड टाइम्स न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैव रीच्ड टू द सेमीफाइनल. अब ऑस्ट्रेलिया का मुझे आप सक्सेस रेट बताएं फाइनल्स का, 1975 लिली और थॉमो जब एक क्लाइव लॉयड से हार गए, 1987 जीत गए इंग्लैंड की बाइक गड़िया कैलकटा, 1996 हार गए, सॉरी 1987 में ऑस्ट्रेलिया जीत गया एंड देन 92 में फाइनल में नहीं पहुंचे क्योंकि सेमीफाइनल्स की दौड़ से ही बाहर हो गए, पाकिस्तान ने बाहर कर दिया बारिश के एक पॉइंट की वजह से. 96 फिर फाइनल में पहुंच गए लेकिन हार गए श्रीलंका से. 99 पहुंचे
7 games on the trot, hara diya Pakistan ko 2003, and then there was a record history for the Ricky Ponting. He became the most successful captain, and Glenn McGrath became the superpower of the fast bowlers in the World Cup when it was in the term of taking wickets. 2003, 2007, ultimately, wo jo 99 ka run tha, wo 2011 mein Pakistan ne break kiya. 1999 में भी पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी और वो जो सीक्वल है वो रिकॉर्ड 24 मैचों की वर्ल्ड कप्स के अंदर उसकी स्ट्रीक भी पाकिस्तान ने तोड़ी 2000 अंदर लेकिन वो दैट्स व्हाई पाकिस्तान बीट ऑस्ट्रेलिया डेथ गेम्स के अंदर पाकिस्तान नेवर एबल टू बीट ऑस्ट्रेलिया फिर उसके बाद 2015 आया फिर फाइनल अब 2019 आया अब देखना है कि फाइनल तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते अब आ जाए न्यूजीलैंड की तरफ 83 में वो मिस कर गए 87 में गोवास्कर जो है वो लंच से पहले सेंचुरी बना गए 35 ओवरों के अंदर अंदर न्यूजीलैंड बाहर हो गया लाइंस कप से 92 में न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में पाकिस्तान से शिकस्त हो गई 96 में ये क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए 99 में फिर पाकिस्तान ने बाहर कर दिया स्टीवन फ्लेमिंग की जोरदार इनिंग्स के बावजूद शुएब अख्तर की धुआंधार बॉलिंग के बावजूद न्यूजीलैंड ने जो 273 रन का टारगेट दिया और पाकिस्तान नाकाबले यकीन तौर पर 250 का जो 250 प्लस का टारगेट था सईद अनवर और वजाहतुल्ला वास्ती चेस कर गए न्यूजीलैंड बाहर हो गया उसके बाद 2011 में वो लोग बाहर हो गए पहले 2015 में ये आके फाइनल में पहुंचे हैं तो अब 8 ट्राइज में से ऑस्ट्रेलिया ने भी 8 अटेम्प्ट्स ली इन्होंने भी 8 अटेम्प्ट्स ली ऑस्ट्रेलिया की आप देखें कि कितनी छलांगे हैं फाइनल में रिकॉर्ड 5 टाइम्स इन द फाइनल और ये सिर्फ एक दफा पहुंचे तो ये चीज और उनमें से 3 दफा उनके सामने पाकिस्तान आया तो अब न्यूजीलैंड के पास चांस आया कि वो दोबारा जा सकते हैं चोकर वो हैं लेकिन चोकर तब होते हैं जब पाकिस्तान से मीट करते हैं चोकर लास्ट टाइम क्यों बने फाइनल के अंदर एक ही फाइनल खेलने का एजाज हासिल था उनको लेकिन जो फाइनल था वो बड़ी खतरनाक जगह पे था फाइनल जो जगह पे हो रहा था वो पाकिस्तान टीम का फाइनल था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी एमसीजी के अंदर कोई टीम अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को शिकस्त दे सकती है तो वो टीम पाकिस्तान है दैट्स व्हाई हिस्ट्री ने बताया कि न्यूजीलैंड के अंदर चूंकि शॉर्ट बाउंड्रीज हैं आपने देखा ईडन पार्क की बाउंड्री जहां पर सेमीफाइनल खेला गया था कैसे मुइन खान ने लेग की साइड पे 2 छक्के लगा दिए और न्यूजीलैंड का काम तमाम कर दिया तो न्यूजीलैंड की टीम मार्क ग्रेट बैच हो या मरहूम मार्टिन क्रो हो वो छोटे ग्राउंड्स पे खेलने की आदी है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड्स जब वो मेलबर्न में गए पूरी जिंदगी ऑस्ट्रेलिया से खेलते रहे हैं उनकी रिवलरी चल रही है वहां पर चौक हो गए क्योंकि दे आर नॉट यूज्ड टू ऑफ प्लेइंग टू द बिग ग्राउंड्स ऑस्ट्रेलिया वहां पर हॉट फेवरेट था अब दोबारा यही मामला आ गया है कि जब ये लॉर्ड्स में गेम होने जा रहा है अगर वो इंग्लैंड को इंडिया को जेर करते हैं तो और एक क्रच मुकाबले के बाद तो डॉक्टर तो आप दोनों से अब ये सवाल पूछ लेता हूं अच्छा इजाज साहब जो कह रहे हैं वो भी हमारे साथ फेसबुक पे जी बहुत शुक्रिया इजाज साहब अस्सलाम वालेकुम उनका कहना ये कि वो सपोर्ट कर रहे हैं न्यूजीलैंड को वो कह रहे हैं कि फाइनल जो है वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को जो है वो होगा उनके दरमियान तो मैं जिशान पर इस पर थोड़ा सा रोशनी डालूंगा कि क्या न्यूजीलैंड के अंदर इतनी जो है वो कैपेबिलिटी है कि वो इंडिया को हरा देगी ये तो बहुत टफ क्वेश्चन कर दिया देखिए अब तो जाहिर है चीजें करीब आ गई है ना अब हम एंडिंग की तरफ हैं पूरे वर्ल्ड कप के तो अब तो डिसीजन जो है ना कि वो ये पोजीशन हो गए जिशान के अब बॉलें कम रह गई और रन ज्यादा बनाने अच्छा मैं इजाज साहब से कहूंगा कि हमारा प्रोग्राम जो थोड़ी देर तक और मजीद देखते रहे इस प्रोग्राम के एंड में जो है ना थोड़ा सा मुकाबला करेंगे हम तीनों के दरमियान एक मुकाबला होगा बिल्कुल. और देखते हैं कि जी कबड्डी तो का नाम सुनाओ मैच कबड्डी का गेम होने जा रहा है जिशान ने आज एक दंगल अरेंज किया हुआ मैच पॉइंट पे तो वो आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए वो दंगल बिल्कुल हमारे क्लोजिंग जो है उस शो से पहले जो है वो दंगल होगा और उसमें उस दंगल में जो है वो डॉक्टर अतनान होंगे एक तरफ जो है मैं होंगे और एक तरफ जो है वो जिशान होंगे फिर देखते हैं इस दंगल में कौन जीतता है तो डॉक्टर अदनान जी जिशान जी देखें अब जो दोनों जो मैच रह गए वो बेसिकली फाइनल के लिए खेले जाएंगे तो हम आप डिस्कस करेंगे कि हमारे 2 टॉप टीम जो है कौन सी है और मैं उम्मीद करता हूं डॉक्टर अदनान के पास जो है इसका जवाब होगा मेरे सवाल का अगर नहीं है तो मैं उनको टाइम देता हूं कि वो अपनी 2 टीम जो है सोच ले फाइनलिस्ट के लिए और एजाज साहब आपको जो है हमारी इस डिस्कशन में जवाब मिल जाएगा लेट्स सी के हम लोग थोड़ा सा प्रोग्राम को लेकर चलते हैं फिर इसके ऊपर आगे बढ़ाएं बिल्कुल क्या कहेंगे आगे बढ़ा लेते हैं जी डॉक्टर अदनान कुछ न्यूज़ है जैसे कि मैं अच्छा न्यूज़ आपके पास है मतलब मैं सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा हूँ आई डोंट नो कि वो ज़राए कहाँ तक हैं कि वो टीम की रवानगी की कुछ खबरें सोशल मीडिया पे इधर वायरल हुई तो आप दोनों के पास ऐसी कोई है न्यूज़ ऑफिशियली
جی بالکل, میرے پاس کچھ ہیڈ لائنز ہیں, تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پاکستان کی خبر پہلے دوں یا باقی خبریں یا پاکستان کی, میرے خیال سے پاکستان ٹیم سے لے لیتے ہیں, پھر آپ اپنی ہیڈ لائن کنٹینیو کریں. جی ڈاکٹر عدنان, اوور ٹو یو. ٹھیک ہے جی, بالکل جی. پہلی خبر یہ ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہے, جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ پہنچ چکی ہے پاکستان, تو میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان ٹیم ابھی پاکستان میں نہیں پہنچی, اور ساری ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں نہیں پہنچ رہی. اس کی ڈیٹیلز کچھ یوں ہیں کہ پاکستان ٹیم ول بی فلائنگ بیک ٹو دا پاکستان آن سیٹرڈے آفٹر گیٹنگ ناکڈ آؤٹ آف دس آئی سی سی ورلڈ کپ. پاکستان ٹیم جو ہے اپنے آخری چاروں میچ جیتنے کے باوجود اور 11 پوائنٹس حاصل کرنے کے باوجود جو ہے وہ وطن واپس آ رہی ہے, کیونکہ نیٹ رن ریٹ کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس ورلڈ کپ سے, انفارچونیٹلی بیڈ نیوز فار دا پاکستان, پاکستان باہر ہو گیا ہے, اور پلیئر جو ہیں وہ ڈفرینٹ ایئر لائن سے پہنچیں گے, اور زیادہ تر جو ہے وہ پہنچیں گے کراچی, اس کے بعد لاہور, اس کے علاوہ سیالکوٹ میں پہنچنے کی خبریں ہیں, اور جو چوتھی فلائٹ آ رہی ہے وہ اسلام آباد میں پہنچے گی جس میں شاداب خان جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں. اور ورلڈ کپ کمپین جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ ختم ہو چکی ہے. آپ کو میں تھوڑی سی اپ ڈیٹ دے دوں کہ اس کے علاوہ جو مجھے جو بات پتا چلی ہے ابھی, جو خبر ابھی کچھ کنفرمیشن نہیں ہے اس میں, کہ پاکستان کے فارمر جو پلیئرز ہائر کیے گئے تھے کمنٹیٹرز جو ہیں اس ورلڈ کپ کے لیے, چونکہ پاکستان کی کمپین جو ہے ختم ہو چکی ہے, ورلڈ کپ کو ایکسائٹنگ بنانے کے لیے عموماً اسی ٹیم کے یا کاؤنٹر پارٹ جو کمنٹیٹرز ہیں ان کو رکھا جاتا ہے, تو سننے میں یہ آیا ہے کہ پاکستان جو پاکستانی کمنٹیٹرز ہیں جو 3 یا 4 جن کی تعداد بتائی جاتی ہے, ابھی ان کا نام ظاہر نہیں کیا گیا, ان میں سے صرف ایک جو ہے وہ وہاں پر رہے گا, اور باقی سب کو جو ہے آئی تھنک ان کو برخاست کیا جا رہا ہے جاب سے, آئی مین ان کا جو کانٹریکٹ ہے وہ جو ہے روکا جا رہا ہے. یہ بڑی کچھ حیرت انگیز خبر تھی, کیونکہ اس سے پہلے میں نے کبھی ورلڈ کپ کے اندر ایسی خبر نہیں سنی, لیکن یہ خبر اس وقت حقیقت ہے, ہاں, کہ پاکستانی جو کمنٹیٹرز ہیں ان میں سے صرف ایک جو ہے وہاں رکے گا, لیکن ابھی ان کا نام نہیں شو کیا جائے گا. موسٹ لائکلی جو مجھے لگتا ہے ایز اے مائی پوائنٹ آف ویو, کہ رمیز راجہ جو ہے ہی از اے پارٹ اینڈ پارسل, کیونکہ انہوں نے پریزنٹیشن سیرمنی دینی ہوتی ہے, ان کے کافی کام ہے آئی سی سی کے ساتھ بھی, اور وہ جو اسکائی نیٹ ورک ہے ان کے ساتھ بھی وہ کھبے ہوئے ہیں, تو آئی تھنک ان کو ریموو کرنا تھوڑا مشکل ہے. تو آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ وسیم اکرم, وقار یونس, بازید خان, آئی تھنک ان کو واپس جانا ہوگا, لیکن ابھی تک کنفرمیشن نہیں آئی کہ کیا یہ کانٹریکٹ جو ہے ان کا پرولونگ کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. جی میں آپ سے یہ سوال ہے کہ صرف پاکستانی کمنٹیٹر یا اور بھی دوسرے ممالک کے کمنٹیٹر, جیسا ساؤتھ افریقہ, ویسٹ انڈیز, بنگلہ دیش, افغانستان, ان ممالک کے جو کمنٹیٹر وہ بھی جو ہے اس سیمی فائنل کا حصہ نہیں ہوں گے؟ یہ ان کی مجھے ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہوئی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی کمنٹیٹرز ایسے تھے جو 3 یا 4 تھے, اگر سری لنکا کے اٹھائیں تو وہاں سے سنگا کارا تھے, اور کم کمنٹیٹرز ہیں باقی ٹیموں سے. انگلینڈ کی ٹیم, چونکہ انگلینڈ کا چونکہ وہ ہوم کنٹری ہے, تو نمبر آف کمنٹیٹرز, چاہے وہ کے پی ہوں یا کوئی دوسرے ہوں, ایتھرٹن ہوں, ناصر حسین یا بھارتی کمنٹیٹر ہوں, تو چونکہ ان کے جو کانٹیکٹ ہیں وہ بڑے پرولونگ کانٹیکٹ ہیں ستارے والے چینل کے ساتھ, تو ان کی چھٹی اور برخاست جو ہے مجھے لگتا ہے اتنی آسان نہیں ہے. تو باقی مجھے نیوز میں ابھی کنفرم نہیں ہوئی, لیکن مجھے جو کنفرم ہوئی ہیں وہ یہی کہ وقار یونس, رمیز راجہ, وسیم اکرم, بازید خان, جو کسی حد تک جڑے ہوئے ہیں یہ جرنلسٹ, ان میں سے جو ہے وہ تین کو جو ہے وہ گھر جانا ہوگا. اینی ہو, اگلی آپ کو خبر دیتا ہوں کہ دا ٹیم از ڈپارٹنگ فرام دا ہیترو ایئرپورٹ, ٹرمینل 3 سے جو ہے یہ روانگی ہوگی پاکستان ٹیم کی, اور برٹش اسٹینڈرڈ ٹائم جو ہے وہ صبح کے 8 بجے, تو ابھی اس وقت مڈ نائٹ ہے, صبح کے 8 بجے جو ہے پاکستان ٹیم فلائی کرے گی. تو کم و بیش آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور ان کے 7 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے, یہ موسٹلی فرام دبئی ٹو ہیترو یا پاکستان اسلام آباد ٹو ہیترو, اٹس اے 7 to 8 hours فلائٹ, ڈیپینڈز اپون. تو 7 گھنٹے کے بعد اگر 8 بجے برٹش ٹائم کے مطابق پہنچتے ہیں تو پاکستان ٹیم تقریباً 2 بجے کے قریب, جو برٹش ٹائم ہوگا, اس میں پاکستان پہنچے گی. تو 2 بجے پہنچنے کا مطلب ہے کہ پاکستان ٹیم 5 گھنٹے پیچھے کر لیں, 3 گھنٹے پیچھے کر لیں, تو یہ دن کا ٹائم ہوگا, اٹ ول بی دا مارننگ جب گرین شرٹس پہنچیں گی. اور آپ کو میں بتا دوں کہ اس کے بعد جو ہے ان کی جو فلائٹس ہیں ان کو ریسپیکٹو سٹیز کی طرف ان کو ڈائیورٹ کیا جائے گا, اور ایئرپورٹ سے ہی 4 کھلاڑی ایسے ہیں کہ جن کا تعلق چھوٹے شہروں سے ہے, تو ان کو دوسرے فلائٹ سے ڈائیورٹ کرا کے لوکل ایئرپورٹ سے بھیجا جائے گا. کپتان جو سرفراز ہیں وہ اور محمد حسنین, کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جو فیلوز ہیں,
دے ول بی دا اونلی ون جو پہلے دن جو ہے کراچی میں اترنے لگے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ پہ نہیں اترنے لگا. اور جو دوسرے جو کوچز ہیں وہ بھی ملٹیپل کوچز جو ہیں وہ فلائی کر چکے ہیں, لیکن پاکستان کے کوچ مکی آرتھر جو ہیں وہ ٹیم کے ساتھ فلائی نہیں کر رہے لاہور. اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کو کس چیز کا اندیشہ ہے, یا ڈر ہے یا خوف ہے یا کوئی پلان کا حصہ ہے. مکی آرتھر کی فلائٹ جو ہے ایک لوکل فلائٹ کے تھرو وہ ساؤتھ افریقہ روانگی ہو رہی ہے. ہی ول بی ریچنگ کیپ ٹاؤن. وہ کیپ ٹاؤن پہنچیں گے, کیپ ٹاؤن وہ اپنی فیملی کے ہمراہ جو ہے وہ ایک ہفتہ گزاریں گے, اور ایک ہفتے کے بعد ہی ول بی رپورٹنگ. ان کو جو ملا ہے لیٹر ملا ہے اس کے مطابق ان کو این سی اے نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور جو قذافی اسٹیڈیم کے پہلو میں ہے وہاں پر ان کو رپورٹ کرنی ہوگی پی سی بی چیف کے آگے اباؤٹ دا ورلڈ کپ, اور پوری کمپین جو ہے ان کے سامنے جو کاغذ پہ جو کہانی ہے وہ کتھا جو ہے وہ سنائی جائے گی, وہ واپس لاہور آ کے سنائیں گے. جبکہ بڑی نیوز یہ ہے پاکستان کے ان کے بارے میں کہ شعیب ملک, محمد حفیظ, وہاب ریاض, محمد عامر جو ہیں یہ واپس نہیں آ رہے, اور بولنگ کوچ اظہر محمود جو ہیں چونکہ ان کی فیملی, ان کی بیگم صاحبہ اور ان کا دوسرا گھر جو ہے وہ لندن ہے, دے آر آلسو دا فیلو برٹشر, برٹش پاسپورٹ ہے, وہ ابھی برطانیہ میں ہی رہیں گے. اور اس کے علاوہ جو طلعت علی مینیجر ہیں وہ بھی ابھی یہ جو سمر ہے اپنا انگلینڈ میں گزاریں گے, ان کی جو واپسی ہے وہ بھی اگست کے آخری ہفتے میں متوقع ہے. تو دیز وار آل دا ڈیٹیل نیوز جو جاننا چاہتے ہیں کہ واٹ واز ہیپننگ ود دا پاکستان ٹیم. جی جی, اور ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ پاکستان کے جو کیپٹن ہے سرفراز احمد وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اسٹیڈیم کراچی میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک بڑا فیصلہ آنے کی متوقع ہے؟ دیکھیں میں نے سنی یہ بات کیپٹن کے حوالے سے یا کوچ کے حوالے سے, میں میرے لیے بڑا کوسچن مارک ہے کہ اگر سرفراز کہتے ہیں کہ اگر سرفراز, مجھے لگتا ہے کہ سرفراز اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنے وہ میچز کے دوران شکل سے نظر آ رہے تھے جو اپنے فیصلے دیتے ہوئے جمائیاں لیتے ہوئے, تو سرفراز مجھے لگتا ہے کہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ اتنی آسانی سے اس طرح سے کیپٹنسی چھوڑ دیں گے یا اتنے دل برداشتہ ہو جائیں گے. وہ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں, انہوں نے چیمپئنز ٹرافی اور ورلڈ کپ جونیئر پاکستان کے لیے جیت رکھا ہے. لیکن کوسچن مارک یہ ہے کہ اگر سرفراز جو ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کپتانی چھوڑنے کا, تو پھر جو ہے آپ کے پاس صرف دو کینڈیڈیٹ ہیں, بابر اعظم اینڈ عماد وسیم. تو بابر اعظم جو ہے ان کو کپتانی دینا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے, دیٹ ول ناٹ بی اے گڈ چانس. ہاں عماد وسیم پہ میرا جو سٹینس ہے تھوڑا سا مضبوط ہے, لیکن آئی تھنک دیٹ دس ول بی اے ویری فولش ڈیسیژن اف سرفراز از گونا ڈو دس. لیکن ڈاکٹر دان کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اب چینج ہو جانا چاہیے؟ ظاہر ہے اب ہم نے جو ہے وہ اس ورلڈ کپ میں جو ہے وہ کافی ایکسپیریمنٹس ہمارے سامنے آ گئے ہیں جو ہم نے کیے, جس طریقے سے ہو جانا چاہیے. اب میرے خیال سے وہی بات ہے جو انڈیا نے کی ہے. اگر آپ دیکھیں انڈین ٹیمز یا دوسری بھی ٹیمز ہیں, انہوں نے ان چار سالوں میں جو ہے نا وہ پچھلے چار سالوں میں ٹیم تیار کی. اگر آپ دیکھیں ینگ پلیئرس کو اپنے ساتھ رکھا, سینئرز بھی رکھا. تو دیکھیں اگر آپ ایک طرف میں بالکل مثال دے دوں, بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ یہ بات نہیں سنتے ہیں, سم ٹائم کہتے ہیں انڈینز کو ہمیشہ ریفر دیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں جب دھونی پیچھے ہوتے ہیں اور وراٹ کوہلی کو ساتھ لے کر ایک ٹرین بھی کیا, اگر آپ دیکھیں ان کا جسٹر پہلے جب وراٹ کوہلی آئے تھے ایز اے کیپٹن بھی آئے تھے, کافی جو ہے وہ ایگریشن دکھاتے تھے, کافی ان غصہ ایک ہوتا تھا. لیکن آپ دیکھیں دھونی کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے انہوں نے پیسیج آف ٹائم جو ہے اپنے آپ کو ایک میچیورٹی انہوں نے شو کی, اور کس طریقے سے ایز اے ینگ کیپٹن جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. تو کیا یہ اس طرح, اور دنیا بھر میں سب ایسے ہی ہو رہا ہے, تو کیا یہ ٹرینڈ جو ہے وہ سرفراز یا کسی کو بھی جیسے آپ کر رہے ہیں عماد ہو گئے یا بابر ہو گئے یا میں کہتا ہوں کوئی اور نیا نام آ جائے, تو ذیشان آپ دونوں سے, ڈاکٹر عدنان سے, آپ دونوں سے پوچھوں گا کہ یہ پروسیجر ہم نہیں اس کو اڈاپٹ کر سکتی پاکستانی ٹیم؟ جی بالکل, میں تھوڑا سا ایک اس میں اضافہ کروں. جیسے سرفراز کی اب ایج جو ہو گئی وہ 32 ہو گئی, ٹھیک ہے. اب جب سرفراز مزید چار سال جو ہے رہتے ہیں ہمارے ٹیم کے ساتھ, تو ان کی اگلے آئندہ ورلڈ کپ تک ان کی ایج ہو جائے گی 37. جو کہ 37 ایز اے کیپٹن کھیل سکتے ہیں. مصباح ہے, جیسے دھونی 38 ہیں, مصباح 39 تھے, کلوز ٹو 40 تھے, تو ایز اے کیپٹن آپ جا سکتے ہیں. لیکن بات وہی آ گئی جس طرح آپ نے کہا کہ میں آپ کی بات سے بالکل متوقع کرتا ہوں کہ ینگسٹر ٹیم ہمیں بنانی چاہیے. ڈاکٹر عدنان نے کہا کہ عماد وسیم, کیونکہ عماد وسیم پاکستانی پی ایس ایل جو ہوتی ہے اس میں کراچی کنگز کی نمائندگی کرتے ہیں, ان کو لیڈ کرتے ہیں, وہ کیپٹن بھی ہوتے ہیں. بابر اعظم کو اگر کیپٹن بنا دیا تو آپ کی ٹیم میں صرف بابر اعظم واحد ہے بیٹسمین ایسے ہیں جو رنز بنانے کی جو ہے اہلیت رکھتے ہیں تیزی سے, اور اگر ان کو کیپٹن بھی دے دی تو وہ پریشر میں آ جائیں گے, اور وہ جس نمبر پہ کھیلتے ہیں وہ نمبر جو ہے ایک خطرناک نمبر ہے پاکستانی بیٹنگ لائن میں, ویسے جو ہے فلاپ.
तो मैं ये बात नहीं कर रहा कि बाबर आजम को बनाए, मैं सिर्फ उस जो एक पैटर्न है दूसरी टीमों का दुनिया भर पे, मैं उस चीज को डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ऑल्दो जैसे आपने कहा कि सरफराज नेक्स्ट वर्ल्ड कप में 36 हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे, बात वो नहीं है कि हम बाबर आजम पर प्रेशर डाल दें या जो है इमाद नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी हो एक्स वाई सी, सिर्फ जो एक प्रोसीजर है, एक पैटर्न जो सेट किया है इंटरनेशनल दुनिया भर की टीम्स में कि जो है किसी भी प्लेयर को ला के आप तैयार कर सकते हैं, चार साल मेरे नज़दीक जो है वो काफ़ी होते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? जी प्रॉब्लम ये है कि कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आपकी टीम में हैंसी क्रोनिये, शॉन पॉलक, जैक्विस स्केलस ऐसी टीम हो, या एरन फिंच, स्मिथ, डेविड वार्नर ऐसी टीम हो, या सचिन तेंदुलकर, सौरव गेंगुली, राहुल ड्रेविड ऐसे नाम हो, इमरान खान, जावेद मियादाद, अब्दुल कादिर बड़े नाम हो, आप किसको देंगे? आपकी टीम में कैप्टन वो होगा जिसकी अपनी जगह बनती हो जी। अब इमाद वसीम और बाबर आजम के अलावा और कौन सा खिलाड़ी है जिसकी टीम में जगह बन रही है? आमिर जो है अपने डिक्लाइन की जानिब जा रहे हैं, शाहीन शाह, अफरीदी और जो दूसरे यंगस्टर्स हैं, दे आर टू यंग टू हैंडल दिस प्रेशर, ऐसा मुमकिन नहीं है, ना क्रिकेट ने कभी ऐसा देखा है। फखर जो है उनको आप कप्तानी देंगे, जिनको मैं क्या उनके बारे में कहूं? तो अब फखर तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू आर शॉर्ट ऑफ ऑप्शन, क्योंकि आपका सब्स्टिट्यूशन बेंच स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है तो नहीं तो डॉक्टर दान कहीं तो सोल्यूशन होगा ना, ये तो नहीं होगा कि इस वर्ल्ड कप के बाद जो है पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट खेलना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। तो सोल्यूशन यही है जो आपको बताया है कि इमाद वसीम इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, कराची किंग्स की कप्तानी का उनको वसी तजर्बा है, इसके अलावा जो यंग ब्लड आप इंडक्ट करेंगे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता एक डिप्टी जो है वो इमाद वसीम का जो है वो तैयार करेंगे, वो शादाब खान भी हो सकता है या एक्स वाई जेड कोई और प्लेयर भी हो सकता है, लेकिन इट विल टेक टाइम, क्योंकि देखें अब जो लड़के जिनकी टीम में जगह पक्की है वो कौन कौन है? इमाद वसीम है जी। इवन इमाद वसीम के ऊपर भी खतरे की घंटी बजती रहती है, लेकिन चलो अगर मैं कहूं वहाब रियाज इस दौड़ से बाहर हो गया है, क्योंकि वो इज अ एजिंग प्लेयर, वो इस वर्ल्ड कप का अगला वर्ल्ड कप नहीं खेल सकेंगे। इमाद वसीम, शादाब खान, शाहीन शाह, अफरीदी और बाबर आजम, इनके अलावा आपके पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है, परमानेंट प्लेयर नहीं है जिसके ऊपर आप कप्तानी कर सके। इसी तरह भारत की टीम अगर देखें तो भारत की टीम के पास ऑप्शंस है, विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा नहीं है, धवन, धवन नहीं है, केएल रॉयल, डॉक्टर दान यही मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने काम किया अपनी इस चीज पर, अगर आप देखें उन्होंने इस चीज के लिए तैयारी रखी कि यार कल हमें जो है वो खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होती है विराट को या कुछ भी होता है तो उनके पीछे रोहित है, उसके पीछे धवन है जैसे कि आपने कहा, तो यही फार्मूला जो है वो हम बिल्कुल क्या ट्रेन नहीं कर सकते अभी भी? अगेन वही मेरा सवाल है, ठीक है नहीं है प्लेयर तो क्या डोमेस्टिक लेवल पर भी कोई ऐसा प्लेयर, या हमारे इतने एक्सपर्ट्स हैं, शुएब अख्तर हैं जैसे आपने कहा, जावेद मियादाद हैं, राशिद लतीफ़ काम कर रहे हैं डोमेस्टिक में, बासित अली काम कर रहे हैं, मोइन खान अपनी अकेडमी चला रहे हैं, और आप नाम ले लें जो हैं, तो क्या वो एक बैट्समैन और एक बॉलर जो हैं वो डोमेस्टिक से प्रोड्यूस नहीं कर सकते? नहीं बिल्कुल कर सकते हैं, बैट्समैन बॉलर कर सकते हैं, हम बात कर रहे हैं कप्तान की। तो अगेन वही कह रहा हूँ कि जब आप प्रोड्यूस कर लेंगे आपके सामने रॉ टैलेंट आ जाएगा, लेकिन जब रॉ होता है तो उसको हैंडल करना बहुत इजी होता है, आप उसको मेंटली तौर पर फीडबैक दें पीछे से, उसको कॉन्फिडेंस दें कि हम तुम्हें फ्यूचर कैप्टन बनाना है, ताकि उसको भी अपनी जिम्मेदारी का पता हो, वो आगे लेकर उसको चले, क्या तबसरा करेंगे इस पर? बिल्कुल हमारे साथ मिसालें अगर देखें तो वो इस वर्ल्ड कप में भी हमें नजर आएंगी। 2015 का अगर आप ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क कैप्टन थे, उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को जो उठाया कंधों पे वो थे स्टीवन स्मिथ। स्टीवन स्मिथ देखें पूरा यानी एज अ बॉलर वो टीम में आए थे, एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बन गए और वो टीम को लेके चले, उन्होंने कामयाबी भी हासिल की। दूसरे आपके पास ब्रेंडन मैकलम न्यूजीलैंड की, ये दोनों टीमें जो है फाइनलिस्ट थी 2015 के वर्ल्ड कप की। ब्रैंडन मैकलम और माइकल क्लार्क दोनों का आखिरी मैच था फाइनल जो हुआ था 2015 वर्ल्ड कप का, उसके बाद केन विलियमसन टीम को लेके चलते हैं, और देखिए आज तक जो है केन विलियमसन टीम को लेके चलते हैं, बड़े जबरदस्त तरीके लेके चलते हैं। तो ब्रैंडन मैकलम के पास जो एक बंदा रेडी था, जिस तरह डॉक्टर दान कह रहे हैं कि हमारे पास कोई रेडी नहीं है बंदा। देखिए अगर आपको याद हो जब इंग्लैंड के लिए टीम जा रही थी तो एक साफी ने जो है चीफ सेलेक्टर जवाहर लाल से सवाल पूछा था कि अगर
سرفراز جو ہیں انجرڈ ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس دوسرا وکٹ کیپر کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سرفراز کو ٹھنڈ لگنے نہیں دیں گے. اگر آپ اس طرح کے اگر آپ کی تھنکنگ ہے یا اس طرح کے آپ کے ریسپانسز ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ ٹیم کو بہت زیادہ تک لے کر چل سکتے ہیں یا آپ کو مزید جو ہے ایک ٹیم کے اندر ایک دوسری ٹیم جو ہے بنا سکتے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی آپ کا جو چیف سلیکٹر ہے وہ انتہائی مذاقہ خیز یا آپ کیا کہیں نان سیریس, اور ان کی باتوں میں اتنی جان نہیں ہوتی, ان میں اتنی ورتھ نہیں ہوتی جی. کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے کریئر کے دوران بھی انہوں نے ہمیشہ اپنا تماشا بنایا, چاہے وہ پریس کانفرنس ہو یا وہ رننگ بٹوین دی نیچر کے وہ آدمی ہیں. مجھے لگتا ہے بہت ضدی اور گھمنڈی اور ان کے دماغ میں فطور ہے اور بچگانا پن, اور ہمیشہ انہوں نے اپنا مذاق بنوایا میڈیا کے اندر رننگ بٹوین دا وکٹ سے. کوئی انہوں نے جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو تضحیک امیز جو سلوک ہوتا ہے, مطلب میچورٹی کبھی بھی نہیں آئی ایون اب اتنا وہ کنورژن کے بعد بھی, اور ابھی بھی جو ان کے حالات ہیں اور ان کے بولنے کا طریقہ اور اگریسو, کیونکہ عموماً آپ جب اس طرح کی کنورژن میں آتی ہیں تو میں نے جو چیز دیکھی بہت سے لوگوں میں جو تعریف کے قابل ہوتی ہے, سب سے پہلی چیز آپ سیکھتے ہیں تحمل, صبر جی. اور آپ خندہ پیشانی سے ملتے ہیں اور آپ مزید پھل لگتا ہے جھکتے ہیں, لیکن یہ وہ درخت ہے جو جھکنے کی بجائے اکڑنا سے اکڑنا شروع ہو گیا, پھر اپنی غلطیوں پہ اکڑنا شروع ہو گیا, اور نہ صرف اکڑنا بلکہ بدتمیزی پہ بھی اتر آیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب جب تک پی سی بی کا پورا ڈھانچہ چینج نہیں ہوتا اور کرتا درچہ چینج نہیں ہوتے, جو پی ایم ہے ان سے زیادہ کرکٹ جو ہے وہ کرکٹ کی اتھارٹی ہے پاکستان کے اندر, ایک میں کیا کہوں کہ وہ انسائنڈ ایک پاور آف اٹارنی, ایون وہ پی ایم ہونے سے پہلے بھی کرکٹ کی ایک انڈسپیوٹڈ اتھارٹی ہے پاکستان کے اندر. تو ان کا ویژن جتنا ہے میرا خیال ہے وہ تو پھر ہمیں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ بہتر سمجھتی ہیں کہ ہو شوڈ بی دا ریپلیسمنٹ فار دس مین اینڈ کس طرح کا ویژن چاہیے. اگر ان کا اپنا ویژن ہے تو وہ کیا ہے, جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ کا پورا ڈھانچہ جو ہے وہ چینج کر دیا ہے. کتنے سال ہو گئے تھے جب یہ یو بی ایل پی آئی اے حبیب بینک یہ میچز کھیلتے تھے, یہ 30-40 سالہ پرانا جو ڈھانچہ ہے انہوں نے وہ اسٹرکچر چینج کر دیا اور سارا اس کو لے کے آ گیا ہے کاؤنٹی کرکٹ اور شیفیلڈ اسٹائل میں. تو آئی ہوپ کہ 2-3 ویکس سب صبر کریں اینڈ سم تھنگ از گونا بیٹر ہیپن, اور پریس کانفرنس ہوں گی, کافی اکھاڑ پچاڑ ہوگا, اپ ڈاؤن ہوں گے, تو پھر دیکھتے ہیں کیا چینجز ہوتی ہیں بورڈ کے اندر, سلیکٹرز کے اندر مکی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. ابھی تو مکی نے واپس آ کے اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے, جس طرح سے وقار یونس سے رپورٹ پیش کی تھی 2015 کے ورلڈ کپ کے بعد, پھر کافی اس کے بعد ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا. تو ابھی لیٹس سی اب یہ کیا کیا باتیں ریلیز ہوں گی. اب آپ بات کر رہے ہیں انضمام کی, تو آپ امام کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر دان؟ آپ دونوں سے میں اس پہ انڈیویجول لے لوں گا. ڈاکٹر دان پہلے آپ بتا دیں امام کو آپ کدھر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں امام الحق کے بارے میں اگر میں کوئی غلط بات کروں گا تو وہ باعث ہو جائے گا, باعث اس طرح سے ہو جائے گا کہ اگر امام پرفارم نہیں کر رہے تو باقی کو سے پرفارم کر, کسی بھی اس کو ذات میرٹ پہ اگر آپ بات کرتے ہیں, میرٹ پہ بات کرتے ہیں تو جو گیون کوٹا آف پلیئرز ہے جو کھیل رہے ہیں اس کے اندر آبویسلی امام از دا بیسٹ آپشن. فخر جو ہے ان کی جگہ ٹیم میں نہیں بنتی, لیکن ایوریج کے حساب سے جو 50-60 کی ایوریج پہ رنز کر رہے ہیں پچھلے 10 سال کے اندر اگر دیکھا جائے پاکستان کی اوپنرز کی داستان, تو امام جو ہیں ان کی ایوریج بہت اچھی ہے اگر پیپرز کے اوپر آپ دیکھتے ہیں. لیکن بات وہی آ گئی کنسسٹنسی, ان کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے. جو 80s کے دوران ہمیں ہوتا تھا کہ جاوید میاداد آ گئے ہیں تو کنسسٹنسی ہے کہ وہ 100 میں سے 12 میچز میں آؤٹ ہو جائیں گے, لیکن 82 ٹائمز ہی ول میک ہز ٹیم سکسیسفل. ولیم سر 12 دفعہ آؤٹ ہو جائیں گے لیکن 82 ٹائمز ہی ول میک ہز ٹیم سکسیسفل. وراٹ کوہلی ہو گئے, دھاون ہو گئے, شرما ہو گئے, کنسسٹنسی ہے. امام میں کنسسٹنسی نہیں ہے. وائی بابر اعظم ہیز بین سیٹ ٹو دا نمبر 1 بیٹس مین, ایون امام جو ہے کبھی کبھی ایوریج میں ان کو بھی ٹچ کر جاتے ہیں, لیکن بابر اعظم میں کنسسٹنسی ہے. ڈو یو نو ون تھنگ, پاکستان کی طرف سے اس ورلڈ کپ کے اندر جب بابر اعظم نے 50 بنائی پاکستان نیور لاسٹ اے گیم. اس سے اندازہ کریں کہ ان کی سالڈ ڈیپتھ کتنی ہے. جب بابر کی 50 ہوئی پاکستان ڈیڈنٹ لوز دا گیم, جب بابر کی 50 نہیں ہوئی پاکستان لاسٹ دا گیم. امام 100 رنز بنائے یا 50 بنائے یا 60 بنائے, حال وہی سچن رمیش ٹنڈولکر کا ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ بچے گی نہیں بچے گی. تو بابر اعظم از دا گیم چینجر ایٹ نمبر 1, لائک جاوید میاداد از این امپورٹنٹ مین.
तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इमामुल हक ने देखे वर्ल्ड कप से पहले या इंग्लैंड के टूर पे अच्छी बैटिंग की, वही उनका जो बैटिंग का जो तसल्लुस है, लंबी इनिंग नहीं खेलते वो, और जो हम उस पर कल बात भी कर रहे थे कि 38 मैचेस में जो है 700 है उनकी, और जो कि बाबर आजम के बाद दूसरी बेस्ट यानी कि फास्टेस्ट 700 है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा ओपनिंग बैट्समैन पाकिस्तान को मिला है, लेकिन बदकिस्मती ये कि वो पार्ट है कुछ उनके रगों में जो है चीफ सेलेक्टर का खून है किसी लिहाज से। तो लेट्स सी के देखते हैं कि चीफ सेलेक्टर कितने देर तक जो है पाकिस्तान टीम को खदमात देते हैं। अगर चीफ सेलेक्टर जो है उनकी अगर रुखसती हो जाती है पाकिस्तानी टीम से, तो वो इमाम का जो है मुस्तकबिल क्या रहता है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो डॉक्टर साहब अगर आपके पास खबरें नहीं है तो जी बोल जी। नहीं बिल्कुल मेरे पास न्यूज है, एक्चुअली वी वर डिस्कसिंग पाकिस्तान, दैट्स व्हाई मैं खबरें क्विकली दूंगा। लेकिन देखें ज़ीशान, मैं ये भी कहूंगा कि इवन चीफ सेलेक्टर जो है उनके चचा जो भी हैं, वो फुप्पा चचा जो भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इमाम को इमीडिएटली रिमूव करना थोड़ा बायस हो जाएगा और थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। इमाम को चांस मिलना चाहिए क्योंकि इमाम परफॉर्म कर रहे हैं, इमाम की टेक्निक बेहतर करनी चाहिए। अब जो ग्रैंड फ्लावर साथ गए हैं, करोड़ रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, ये शख्स क्या करने गया है? जो मुझे तो वो नजर नहीं आता कि वो किसी बैट्समैन को जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंसल्टेंट कर रहे हैं, मुझे कभी नजर नहीं आया। इवन के मेरा लगता है कि शायद डॉक्टर साहब की जी आमिर जी मेरे ख्याल से उनके जो है वो लाइन आप कंटिन्यू कर लें जी, शान फिर बात करें। जी मैं यही कह रहा हूं डॉक्टर साहब की मैं बात बढ़ा रहा हूं कि ग्रैंड फ्लावर की बात कही, जी हां वो बहुत भारी रकम ले रहे हैं अपने तनख्वाह की। जब कैमरे पे उनके दिखाया जाता तो वो अलग बैठे होते हैं, मिकी आर्थर के साथ जो पाकिस्तान टीम के कोच उनके साथ बैठे होते हैं, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो किसी बैट्समैन से बातें कर रहे हैं, उनको टेस्ट बता रहे हैं, या मैच के दौरान जो है कोई ट्रेनिंग सेशन होती है तो उसमें जो है वो कॉल है हमारी आप ले लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैच पॉइंट। हेलो अस्सलाम वालेकुम, जी सर अपना नाम और कहां से फोन कर रहे हैं आप? हाँ मेरा नाम जफर है और मैं टोरंटो से ये ब्रैम्पटन से बोल रहा हूँ। जी क्या कहेंगे आप आज के मैच के हवाले से और सेमीफाइनल के हवाले से? मैं कोई ये नहीं, जो भी आपकी डिस्कशन हो रही है उसके अंदर आप लोग एक पॉइंट को मिस कर रहे हैं, तो उसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाह रहा हूँ। ये ठीक है आगे जो कुछ भी आप लोग का होगा वहाँ पर, उसमें तीन फॉर्मेट हैं, एक फॉर्मेट है ODI और एक फॉर्मेट है T20 और तीसरा है टेस्ट मैच। तो अब ये इसमें जो है ना डिफरेंट किस्म के खिलाड़ी होते हैं और डिफरेंट किस्म का गेम होता है। तो ये ODI में तो हमेशा से पाकिस्तान जो है ना वीक है और T20 में ठीक है, तो इस लिहाज से ये गलत बात है कि तीनों जगह एक ही कैप्टन होता है। तो इसको कुछ इसके ऊपर भी डिस्कशन होना चाहिए कि तीन फॉर्मेट को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान इज वीक इन ODI एंड पाकिस्तान इज वेरी स्ट्रांग इन T20। सो ये जो T20 के प्लेयर्स घुसा दिए जाते हैं ODI में, सारी प्रॉब्लम और सारी जड़ यही है मसले की कि वो ना उधर के रहते हैं ना वो इधर के रहते हैं। उधर 4 ओवर खेलना होता है, 10 ओवर या 20 ओवर खेलना होता है, बहुत फर्क गेम है ये। तो ये जो चीज है ना ये बहुत अहम है और इसके ऊपर काफी गौर होना चाहिए, और फिर उसके बाद टीम्स तैयार करनी चाहिए और फिर उसके हिसाब से कैप्टन्स होने चाहिए। ओके थैंक यू जफर साहब, हमारे प्रोग्राम से इसी तरह आपको जो है मरकुज कराना चाहता हूँ। जिस तरह जफर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपको कॉल करने का, डॉक्टर साहब मेरी बात से एग्री करेंगे कि जिस वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो शिकस्त हमने ली थी तो उस पर हमने ये पॉइंट उठाया था कि हमारी जो टीम की जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो PSA नहीं है सिर्फ। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप? जी इनफैक्ट जफर साहब की बात मैं समझ गया, लेकिन असल में अभी हम इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ ODI टीम डिस्कस कर रहे हैं, हम अभी T20 टीम नहीं डिस्कस कर रहे। लेकिन बिल्कुल जिशान ये बात हम वेस्ट इंडीज से शिकस्त के बाद कर चुके हैं। पाकिस्तान के लीडिंग मुबसर और पाकिस्तान के साबिक कप्तान वसीम अकरम, उन्होंने भी जिक्र किया था इस बात का कि अगर इन लड़कों की स्पीडें नहीं बनती तो इनको फारिग कराएं, इनको कॉन्ट्रैक्ट मत दिए जाए, इन्हें मत खेलने दी जाए CPL और जो दूसरी लीग हैं, क्योंकि ये लड़के वसीम अकरम का कहना था ये जान बूझ के 140+ पे नहीं लेके जाते।
बिकॉज ये 20 ओवर्स की गेम खेल के पैसा बनाना चाहते हैं. इफ दे उनको बताया जाए लड़कों को कि इफ यू विल नॉट अवेलेबल फॉर पाकिस्तान यू आर नॉट सपोज टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट. भारत की टीम को देख लें, भारत की टीम किसी सीपीएल या किसी और लीग से उनको खेलने की इजाजत नहीं है जब तक के वो रिटायर हो जाए. तो बिल्कुल इस पर हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, लेकिन राइट नाउ हम ओडीआई की डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि ओडीआई के अंदर बेशुमार लड़के जो है वो T20 फॉर्मेट किए और यही पाकिस्तान के जवाल की जो है दास्तान है. जी हमारे पास कोई कॉलर और लाइन में होल्ड कर रहे हैं, कॉल ड्रॉप हो गई है अभी. फिर मैं कहूंगा कि जो साहब हमें कॉल कर रहे थे तो आप हमें जो है दोबारा कॉल कर ले, आपकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई थी. जी बहुत शुक्रिया. अच्छा डॉक्टर अदनान, थोड़ा सा हम आगे भी बढ़ते हैं, आज के मैच पर भी आ जाते हैं. मैं थोड़ा सा कमेंट लेना चाहूंगा आपसे पीएसएल के उस पर कि क्या आपको लगता है कि एज अ पीएसएल जो प्रोडक्ट हमारी है पाकिस्तान की, जिसपे हम सबको जो है वो पाकिस्तानियों को प्राउड भी है. जिशान से मैं सवाल पूछूंगा, काफ़ी जो है पीएसएल को उसको कवर भी करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो है पीएसएल जो है वो अब तक जो है वो प्लेयर अच्छे प्लेयर्स जो हैं कि एटलीस्ट 11 प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान टीम में आ सके तो प्रोड्यूस नहीं कर पाए अब तक? जी डॉक्टर अदनान. जी बिल्कुल प्लेयर्स प्रोड्यूस कर पाए हैं, लेकिन बात वही है कि पीएसएल आपको ओडीआई तो नहीं देगा ना, वो आपको कौन देगा? शेफील्ड क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट देगी. और अब पीएम साहब ने जो बनाई है इलाकाई टीमें, आपको कुछ प्लेयर ऐसे चाहिए होते हैं जिनका स्ट्राइक रेट जो है वो 100 से ऊपर हो, 120, 50, 180 इस तरह के स्ट्राइक. ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा, ऑब्वियसली कुछ जो प्लेयर्स हैं आप उठाते हैं पीएसएल से. देखें जो फाइंड है आपकी शाहीन शाह अफरीदी, इनको आपने कहां से उठाया? पीएसएल से उठाया. तो शाहीन शाह अफरीदी हो गए, कुछ दूसरे लड़के हो गए, लेकिन ओवरऑल जो कवरेज है ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के फॉर्मेट के 3 कप्तान होने चाहिए. टेस्ट कप्तान डिफरेंट, ओडीआई कैप्टन डिफरेंट. और आप मुझे ये बताइए कि जो रूट कितने बड़े बैट्समैन है, लेकिन T20 फॉर्मेट के अंदर इंग्लिस्तान की टीम के अंदर उनकी जगह नहीं बनती. इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा. जॉर्ज बेले जब उन्होंने कप्तानी दी क्लार्क को, तो जॉर्ज बेले जो है वो प्रीति जिंटा की टीम में पंजाब की टीम थी उसके साथ कप्तान थे, लेकिन उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर जगह नहीं बनती थी. बिल्कुल इसी तरह जब माइकल क्लार्क आए और एक टाइम आया तो उनकी T20 में जगह, इतने स्ट्रॉन्ग बड़े नाम है लेकिन उनकी उस टीम में जगह नहीं बनती थी. रविचंद्रा अश्विन भारत के गेम चेंजर, लेकिन एक टाइम आया कि रविचंद्रा अश्विन जो है उसके बाद वो दूसरे फॉर्मेट में ओडीआई फॉर्मेट में उनकी जगह ही नहीं बनती. उन्होंने बहुत गेम प्लान किए, लेकिन आपके पास रिप्लेसमेंट ना होने की वजह से साल आ साल वही सीजन प्लेयर जो है वो बार 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 वही गेम्स खेलते रहते हैं और स्विचिंग चलती रहती है. तो आप दोनों, मतलब आप भी और मेरे ख्याल से निशान भी इस चीज पे एग्री कर रहे हैं मैच पॉइंट के उस पर कि हर फॉर्मेट का कैप्टन जो है वो डिफरेंट होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए. अच्छा मैं हम फिर हम तीनों या मैच पॉइंट में एक नाम जाहिर हम शेयर करता हूँ, आई डोंट नो आप उस पर क्या कमेंट करेंगे. आप दोनों उस प्लेयर को कहाँ देखते हैं, आप अजहर अली को कहाँ देखते हैं डॉक्टर अदनान और ये जिशान, फिर मैं आपसे ही पूछूंगा. देखिए अजहर अली अभी बड़ी अच्छी फॉर्म. जी जिशान आप बोलना. सॉरी मैं बात काट रहा था. अजहर अली देखिए T20 से और ओडीआई क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, तो उनकी अब जगह जो है सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में ही बनती है. और उन्होंने अभी काउंटी क्रिकेट में खेल रहे हैं तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनका सिर्फ टेस्ट खेलना ही है. और उन्होंने जो है ओडीआई क्रिकेट की जो है कैप्टनशिप की है, तो पीसीबी चाहिए कि उनको टेस्ट का कैप्टन बना दिया जाए. ठीक है डॉक्टर ना, आप क्या कहेंगे जैसे कि आप अभी हम डिस्कस भी यही कर रहे हैं अपने मैच पॉइंट में कि हर फॉर्मेट का जो है वो कैप्टन डिफरेंट होना चाहिए, तो क्या आप समझते हैं अजहर अली का जो रोल है, जैसे जिशान ने भी इसमें काफ़ी जो है वो इस पर डिस्कस किया कि उनको टेस्ट क्रिकेट पे जो है वो आना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं? देखिए वो बयान फिर बड़ा अजीब सा हो जाएगा, पता नहीं ये फिर कहां कहां प्रोग्राम जाएगा और कहां कहां सुना जाएगा. लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो सच्ची बात है कि अजहर अली उनकी कंसिस्टेंट एक तरफ जो उनका स्टैंड था ओडीआई टीम के अंदर, वो आज भी मैं समझता हूँ कि बड़ा मजबूत था. उनको टीम में होना चाहिए था एज अ एंकर, बैट्समैन हमेशा एंकर होता है, लेकिन एक खासूस लॉबी थी. अजहर अली को जैसा से मूव किया गया, मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा वो खेलते हैं, लेकिन अगर अजहर अली होते टीम के अंदर तो इमामुल हक टीम के अंदर नहीं आ सकते थे. इमामुल हक को पैसेज फराहम किया गया था कि अब इमाम भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन
امام الحق کو پیسج دینے کے لیے ضروری تھا کہ یا فخر زمان باہر جائیں گے یا اظہر علی جائیں گے، لیکن چونکہ فخر زمان جو ہے وہ مکی کے بھی چہیتے ہیں، مکی کے دو ہی چہیتے ہیں، ایک بابر اعظم اور ایک فخر اعظم، تو ایک چہیتا جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے، ہی از اے بگ مین فرام پاکستان، اور چہیتا پرفارم نہیں کر رہا، دیٹس وائی دا ادر ڈارلنگ ہیز گاٹ دا باب، اس کو باب نام دیا گیا، اور فخر کو جو ہے اب جو ہے اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن مکی کا اثر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دیٹس وائی دس از دا تھنگ جو ریوالوگ پاکستان کرکٹ آن پرفارمنس، ٹھیک ہے، تو مطلب آپ اس چیز کو تو کریں گے اگر اظہر علی جیسے کہ اگر ان کو ٹیسٹ میں جو ہے وہ لا سکتے ہیں اور ان کو کپتانی دی جا سکتی ہے، وہ میری نظر ان میں ہے وہ پوٹینشیل اور وہ اس چیز کے کیپیبل ہیں کہ ان کو جو ہے ایٹ لیسٹ جیسے کہ ذیشان نے کہا انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے تو ان کو ٹیسٹ میچ میں ظاہر ہماری جیسے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ ہماری پاکستان کی جو ہے وہ تین کیپٹن ہیں ڈفرینٹ فارمیٹس میں، ٹیسٹ میچ میں، او ڈی آئیز میں، او ٹی ٹوینٹی میں، تو ان کا رول جو ہے مجھے لگتا ہے کہ پھر ٹیسٹ میں ہونا چاہیے۔ مصباح جو ہے کپتان بنے اور ٹیم میں آئے 2014-2015 کے سیزن میں، تو آپ کو اس وقت کیوں نہیں پتا تھا مصباح واز دا ایجنگ پلیئر، مصباح کی کرکٹ بڑی بالکل ہوئی، آپ کو اس وقت کیوں نہیں پتا تھا کہ مصباح الحق تین چار سال بعد کہاں ہوں گے، مصباح کے انڈر اس وقت لڑکے کیوں نہیں گروم ہوئے، اس وقت آپ شور میں جاتے تھے ٹک ٹک کا، بالکل، اور جب مصباح الحق گئے تو اس کے بعد او ڈی آئی کے اندر بھی آپ کے پاس کوئی چانس نہیں تھا، آپ کے پاس ٹیسٹ کے اندر بھی ریپلیسمنٹ کا کوئی چانس نہیں تھا، آپ کا مڈل آرڈر بالکل انریلائبل تھا، کم از کم وہاں پر ریلائبلٹی تو تھی نا یونس خان اور ان کی شکل میں، تو میرے خیال سے کال آ گئی ہے، آپ لے لیں ڈاکٹر عدنان۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اخبار بات کر رہا ہوں، آپ تینوں کو میرا بہت بہت سلام ہو، کل میں نے کل آپ کا پروگرام نہیں چلا غالباً، جی کل کا پروگرام کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے جس کی بنا پہ نہیں چلا، تو دیٹ واز اونلی آن دا فیس بک، لیکن ٹیلی ویژن کے اوپر انفارچونیٹلی نہیں آیا، بٹ فیس بک وی ور لائیو۔ ویسے چلے اللہ اللہ کر کے پروگرام شروع تو ہوا، آج دیکھا میں نے، خیر میں ابھی آیا تھا باہر سے، تو میں نے کہا چلے آپ کو کال کرتا ہوں، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ کون جیتے گا فائنل؟ آپ ٹیون ان رہے ہیں اس پہ، ہم آخر میں آ رہے ہیں، بہت شکریہ غفار صاحب، بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر عدنان، ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں جو اس کی بات ہو رہی تھی اظہر علی کی اور ان کی۔ جی تو اظہر علی کی بات، میرا خیال ہے کہ ہم ابھی ہم دو ہفتے بعد دیکھتے ہیں کہ پی سی بی کی جو میٹنگ ہوگی، ہائی کمان بیٹھے گی یا کیا فیصلے کیے جائیں گے، کیا کارڈ پہ جھاڑ ہوگی، پی ایم صاحب کیا کرتے ہیں، تو آئی تھنک دا تھنگز ویری مچ کلیئر، لیکن اگر جس طرح آپ کی رائے ہے اور آپ نے بتایا کہ اظہر علی جو ہے وہ ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ آتے ہیں، ان کو اٹیچ کیا جاتا ہے، ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، اٹس اے کوائٹ گڈ آئیڈیا کہ اظہر علی کیا جائے، لیکن دوبارہ کہ پاکستان ٹیم کو لابنگ سے پاک ہونا چاہیے، اگر اسی لابنگ، اسی سٹرکچر کے اندر، انزی کے اندر اور مکی آرتھر کے اندر اظہر علی ناٹ، وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ، وہی حال ہوگا جو اعجاز بٹ صاحب کے زمانے میں، شاہد افریدی جب کپتان تھے تو جو پاکستان میں کباڑا ہو رہا تھا کرکٹ کا، وہی ابھی دوبارہ، ٹھیک ہے، تو کوئکلی آگے موو کرتے ہیں ذیشان، آج کی طرف جو ہے وہ میچ جو ہے وہ، جی جی کوئکلی اگر ہم رول کر سکیں خبروں کو تو میں بتانا چاہوں گا کچھ خبریں، پھر کوئکلی میں اس ٹاپک کو تھوڑا سا ختم کر لوں، ایک کامنٹ اور لے لوں کیونکہ میرے ذہن میں کافی پیچھے میرے پاس میسیجز بھی آ رہے ہیں ڈاکٹر عدنان ذیشان، آپ لوگوں سے کامنٹ چاہ رہے ہیں لوگ، وہ کیونکہ اب ظاہر ہے ٹیم جو ہے وہ باہر ہو گئی ہے، اب پاکستان جا رہی ہے، اب وہ ری شیپ ہونے کی ساری باتیں ہو رہی ہیں تمام سوشل میڈیا پر بھی اور جتنے بھی مین اسٹریمس چینلس پر جو ہیں وہ ری شیپ کی بات ہو رہی ہیں، بہت سارے نام سامنے آ رہے ہیں، جیسے اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آصف کا رول کیا رہتا ہے آگے، پھر کافی باتیں ہو رہی ہیں کامران کی کہ وہ ان کا کیا رول آنے والے جو ہے، وہ کامران اکمل کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ رول آنے والے اس میں جو ہے کہ پاکستان ٹیم میں آپ انہیں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کوئی رول پلے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ دونوں سے آصف کا اور کامران اکمل کا کامنٹ لینا چاہوں گا۔ دیکھیں آصف جو ہیں ان کا تو ٹیم میں جگہ بنتی ہے، آصف ابھی فٹ نہیں تھے، ان کا بچی کا وہ ڈیمائز بھی ہو گیا، سیڈ ڈیمائز ہو گیا، پھر وہ تھوڑا پریشر میں تھے، لیکن آصف کی جو ہے ون ڈے ٹیم کے اندر جگہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ کافی ٹف کوسچن ہے یہ، ٹی ٹوینٹی کے اندر یس وائی ناٹ، ٹی ٹوینٹی کے اندر اسلام آباد یونائٹیڈ کے جو دونوں مڈل آرڈر ہیں ان دونوں کو پاکستان کی ٹیم میں ہونا چاہیے، ٹی ٹوینٹی کی ٹیم میں، آصف کے بغیر جو ہے ٹی ٹوینٹی ٹیم نامکمل ہے۔ جہاں تک آپ نے کامی کی بات کی تو کامی کی بات بہت ڈبیٹیبل ہے، کیونکہ ہمیشہ سے کامران اکمل جو ہیں وہ اکھاڑ پچھاڑ کا شکار رہے ہیں، کسی بھی ٹائم پہ ان کے تعلقات جو ہے وہ بورڈ کے جو ہے اعلیٰ عہدے دوران جو ہیں ان سے اچھے نہیں رہے، چاہے اس کا کارن ان کے چھوٹے بھائی عمر اکمل ہوں
या कामरान अकमल के ड्रॉप चांसेस हों, लेकिन इसमें कोई इसमें शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि कामी से जब मेरी भी बात हुई मुलाकात होती है जब कामी से, तो उनका एक ही क्वेश्चन होता है, उनका जो सवाल होता है कि क्या बाकी विकेट कीपर जो है वो कैचेस ड्रॉप नहीं करते? ऑफ कोर्स, लेकिन जब कामरान अकमल करते हैं तो उसको क्यों इतना हाईलाइट किया जाता है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली कामी के जो कैचेस थे, जिस तरह से पेशावर ज़ेल्बी, आल्दो कि वो मैच निकल चुका था उनके हाथ से, लेकिन जो फाइनल खेला गया था ली क्रोंकी के अगेंस्ट, तो जब भी कामी के साथ ऐसा कुछ हुआ तो वो बड़े क्रूशियल टाइम में हुआ। और दूसरा बात ये है कि कामी भी अब जा रहे हैं एज की तरफ, एजिंग प्लेयर है, तो अब क्या इतने घंटे 8 घंटे बेंड रहना लॉन्ग फॉर्मेट में ओडीआई में, या चले अगर उनको T20 में लेके आते हैं तो क्या इज फिट इनफ टू ज्वाइन पाकिस्तान टीम? और क्या पाकिस्तान टीम रिजवान की मौजूदगी में और सरफराज की मौजूदगी में अभी ये डिसीजन ले पाएगी? अल्दो के रिजवान को मैं नहीं मानता कि ही शुड बी द पार्ट ऑफ द T20 टीम, क्योंकि रिजवान का जो आपको पता है कि जो रेट है, रन रेट जो है, स्कोरिंग रेट जो है, वो ओडीआई या T20 के फॉर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। सरफराज इज द परफेक्ट मैच फॉर दैट इफ द कंसिस्टेंसी रिमेन्स इन इट। तो अब कामी का अंदर आना, दिस इज क्योंकि उनकी एज की वजह से ये काफी क्वेश्चन है। और ऐसे में ये भी बात भूलिए कि आबिद अली आपके पास पाइपलाइन में बैठे हुए हैं एज अ ओपनर, कंसिस्टेंट परफॉर्मर एंड एज अ रिजर्व विकेट कीपर आल्सो। जी बिल्कुल। अच्छा जिशान, क्विकली इसको आगे बढ़ाने आपके पास कोई न्यूज़ हो? जी जी, मैं इसको यही कहूँगा कि कामरान अकमल की जहाँ तक बात है, नो डाउट का उन्होंने बहुत अच्छी पाकिस्तान के लिए खिदमत दी है, अच्छे बैट्समैन रहे हैं, लेकिन उनका देखें कैरियर का आगाज हुआ था 2002 में, और 2017 में जो है उनका कैरियर का यानी कि उन्होंने आखिरी वनडे और टेस्ट मैच खेला था, तो ये देखा जाए तो 14 साल का एक अच्छा डिफरेंस है। और उसमें इन एंड आउट रहे उनकी तरफ से इन एंड आउट रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेल ली है, इंजेवाम के अंडर में उन्होंने काफी अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है, तो मुझे नहीं लगता कि अब उनका वापसी आना जो है टीम को इतना फायदेमंद या सूदमंद इतना साबित होगा। नो डाउट कि वो अगर वो सेंचुरी बनाते हैं आपके लिए, लेकिन उनके मुस्तकबिल जो है मुझे पाकिस्तानी टीम में ब्राइट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप वही बात आ रही है कि हमें जो है रिशेप करना है, यंग टीम को लेके आना, अगर हम कामरान अकमल लाते हैं फिर हम जो है मोहम्मद आसिफ को भी लेके आते हैं, सलमान भट्ट को भी लेके आ जाते हैं, तो जो जो टीम में आने के ख्वाहिशमंद है, हम शर्जील खान है वो भी टीम में आने के ख्वाहिशमंद है, तो जो 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 टीम में आने के ख्वाहिशमंद है, जो लोग चाहते हैं कि इनको दोबारा चले जाए, तो फिर टीम जो है लोगों की वही शिकायत होंगी कि वही पुराने खिलाड़ी शामिल हो गए, फिर वर्ल्ड कप तक बात आएगी, फिर वह हमें जो है स्क्वाड बनाने में जो मुश्किल का सामना करना पड़ेगा कि यंगस्टर को ले जाए या जो हमारे जो पुराने खिलाड़ी हैं एक्सपीरियंस है उनको ले जाए। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, आप कामरान अकमल से आप लंबे उसकी टर्नओवर की तवक्को नहीं रख सकते क्योंकि ही इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर, लेकिन आपकी जो बात थी 2017 में आखिरी मैच खेला, लेकिन इससे मैं ये कहूंगा कि अगर 2017 में वहाब रियाज खेलने के बाद वापस आ सकती हैं, 2017 में खेलने के बाद और ये परफॉर्मेंस कर सकती हैं, तो व्हाई नॉट, कामी कैन नॉट कम? लेकिन बिल्कुल जी, पॉजिटिविटी यही है कि कामी अगर आ भी गए तो इतना लंबा करियर उनके पास नहीं है, अब इतना टाइम नहीं है उनके पास, तो इसलिए ये चीज रहा उनके अगेंस्ट जाती है। लेकिन लेट्स सी, हम देखेंगे भी क्या उखाड़ पछाड़ होगी और की रोशनी में बात करेंगे कि दुनिया किस तरफ जा रही है और माहौल क्या है और अभी रिपोर्ट क्या आती है और क्या उखाड़ पछाड़ होती है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। क्विकली हम बढ़ेंगे जी हेडलाइंस की जाने, हमारी कोई हेडलाइंस बड़ी लेट हो गई आज। रोहित शर्मा हैज बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर द 500 इन द वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, प्रीवियस हाईएस्ट जो मैं आपको बताता रहा थ्रू आउट द मैच पॉइंट, कुमार संगकारा वाज हैविंग द रिकॉर्ड ऑफ 400 इन अ सिंगल एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप, जो रिकॉर्ड जो है कुमार संगकारा ने जो रिकॉर्ड बनाया था वो रोहित शर्मा ने तोड़ दिया है, और रोहित शर्मा के 2 मैच बाकी हैं, देखते हैं कि इसको वो कहां तक स्ट्रेच कर सकती है। इंडिया के आज मैच के दौरान हमने देखा, मुझे मालूम नहीं हमारी प्रोडक्शन टीम के पास आज वो बैनर है कि नहीं है, डॉक्टर दान, आप जो है वो प्रोडक्शन टीम जो है वो जी अगर वो बैनर दिखा सके टीम हमें, स्टूडियोज हमें दिखा सके अगर, कि उसमें एक बैनर उड़ाया गया हवा में, बैलून बैनर, इंडिया स्टॉप जीनोसाइड एंड फ्री कश्मीर, तो इसमें बड़ा सख्त रदे वाला है क्योंकि ऐसे बैनर जो है एंटी बलोचिस्तान और जो एंटी ऐसे जो बैनर उड़े हैं वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच के दौरान भी उड़े हैं, तो आईसीसी
تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ جو ہے وہ کہتی رہی ہے کہ وی ہیو ورکڈ ود دا لوکل پولیس اینڈ فورسز ٹو پریونٹ دس ٹائپ آف پروٹیسٹ اکرنگ, لیکن اس کے بعد یہ معاملہ عمل میں آیا ہے. یہ جو ہے یارک شائر پولیس جو ہے اس کی ذمہ داری تھی, ان کو یہ کانٹیکٹ دیا گیا تھا اس ورلڈ کپ کا. میں خاصے کلپ دیکھ لیتے ہیں ڈاکٹر عدنان, پھر ہم اس پر جو ہے میں خاصے تبصرہ کر لیتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو بھی آئیڈیا ہو کہ ہم جو ہے اس پہ کیا بات کریں. جی ناظرین, آپ لوگ جو ہے کلپ دیکھیں, پھر ہم واپس آتے ہیں. جی ڈاکٹر تنگ کیا کہیں گے؟ جی بالکل جی, دیکھیں اس کلپ میں آپ نے دیکھا کہ یہ بیلون جو پیپر ہے یہ اڑ رہا ہے, پلین جو ہے بیلون پلین اڑ رہا ہے, اور کشمیر کو جو ہے مقبوضہ کشمیر کو جو ہے وہ آزاد کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو دس از سم تھنگ نان سینس ان دا کرکٹ. کرکٹ کے اندر جو ہے پالیٹکس کا کوئی رول نہیں ہے, چاہے وہ بھارت ہے یا پاکستان ہے, آرچ رائیولز ہیں, زبردست کشیدگی دونوں کے درمیان رہتی ہے پولیٹیکلی, لیکن جو عام پبلک ہے ان کے اندر بڑا پیار ہے. میں نے دیکھا کہ یہ چیزیں کسی پبلک انکاؤنٹر میں جو ہیں دونوں ریولیز کے اندر کہیں بھی ایسے کریشز سامنے نہیں آتے. ٹھیک ہے, اپنی ٹیم کو سبھی جیتنا دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ جو پولیٹیکل چیزیں ہیں یہ ڈفرنٹ سینریو ہے. بھارت کی پالیٹکس ہو یا پاکستان کی پالیٹکس, یہ ٹاپ لیول کی چیزیں. ٹوٹل کرکٹ از اے ڈفرنٹ بال گیم, اس کو اس میں نہیں ہونا چاہیے. پریویس انسیڈنٹ کے بعد وارن کیا گیا تھا, یارک شائر پولیس جو ہے دوبارہ روکتے میں ناکام رہی, زبردست چھان بین اور چیکنگ کے بعد جو ہے یہ اندر آنے دیا جا رہا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اندر آنے کے بعد اس پیپر بیلون کو جو ہے اس پیپر پلین کو اندر آنے کے بعد انفلیٹ کیا گیا. کیسے انفلیٹ کیا گیا یہ سمجھ سے باہر ہے, اور دس از ویری ڈس سیٹسفائنگ. اور آئی سی سی نے یارک شائر پولیس کے خلاف ایک رپورٹ جو ہے وہ درج کرا دی ہے. اگلی خبر میرے پاس فار ڈپلیسی کے بارے میں ہے. فار ڈپلیسی جو آخر کار کنسولیشن ون جو ہے آج ان کے حصے میں آئی, آسٹریلیا کی ٹیم کو شکست دی, اور شاید ان کو تھوڑا سا ٹھنڈ پہنچی ہو. ان سے کوشچن پوچھا گیا ریگارڈنگ دا ڈیوڈ وارنر اور اسٹیون سمتھ, کافی پرانا کوشچن ہو گیا ہے, لیکن اس کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ ٹو ار از دا ہیومن بینگ اینڈ وی آر دیئر ٹو میک دا مسٹیکس, اٹس ہاؤ اباؤٹ یو لرن اینڈ ہاؤ یو امپروو اینڈ موو فارورڈ. تو دوبارہ ایسی بات نہ پوچھی جائے. اگلی جو میرے پاس نیوز ہے وہ شعیب ملک کے بارے میں ہے. ذیشان کی شعیب ملک کو ایک کوسچن ڈالا گیا تھا کہ ڈو یو تھنک یو آر اسٹل گڈ انف ٹو پلے فار پاکستان ان ٹی ٹوینٹیز, کیونکہ انہوں نے بڑا ایک سمانی بیان دیا تھا کہ میں او ڈی آئی میچز سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں. تو انہوں نے ایمفیسائز کیا تھا او ڈی آئیز پہ, یعنی کہ اسٹل ہی وانٹس ٹو پلے ان دا ٹی ٹوینٹی. تو شعیب ملک نے آگے سے کہہ دیا کہ سر وٹ ڈو یو تھنک, Am I good enough for T20 format? Can you answer this? جس پہ اخباری نمائندہ جو ہیں وہ بالکل چپ ہو گئے. عبد الرزاق کیا کہہ رہے ہیں جی, پاکستان کے سٹار آل راؤنڈر اور مڈل آرڈر بلے باز جو ہیں کچھ بڑے غصے میں نظر آتے ہیں, بڑے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا, اور انہوں نے کہا کہ the only way Mickey Arthur will leave Pakistan team coaching job if he passes away. تو آئی تھنک کہ اس طرح سے مجھے اچھا نہیں لگا سن کے کہ مکی آرتھر کو یہ کہنا. ہم پہلے ہی ہم اس قسم کے مزاق کے بالکل متحمل نہیں ہے, کیونکہ باب بولمر جو ہے اس سے پہلے ایک ایسی ڈیمائز سیڈ ڈیمائز ہو چکی ہے 2007 کے ورلڈ کپ میں, لیکن آئی تھنک کہ رزاق واز سو انہیپی کہ ان کو یہ بیان جو ہے مکی آرتھر کے بارے میں دینا پڑا. شعیب ملک کا آپ کو میں او ڈی آئی کیریئر بتا دیتا ہوں ہیڈ لائن کے آخر میں. او ڈی آئی کیریئر جو تھا اسپین آف 7205 دن کا جو کیریئر تھا یہ ففتھ لانگیسٹ ہے ان دا کرکٹنگ ہسٹری. ففتھ لانگیسٹ, پانچواں لمبا کیریئر ہے جس کے دوران انہوں نے 287 او ڈی آئیز کھیلے, وچ از فورتھ ہائیسٹ فار پاکستان. 7534 او ڈی آئی رنز بنائے انہوں نے, وچ از ففتھ ہائیسٹ فار پاکستان. 158 وکٹیں انہوں نے لی جو 12th ہائیسٹ فار پاکستان ہے. 98 کیچ انہوں نے پکڑے جو فورتھ ہائیسٹ فار پاکستان بیا نان وکٹ کیپر مین. سو اتنے اعلیٰ کیریئر کے بعد آئی تھنک کہ شعیب ملک جو ہے بڑا ان لکی رہے کہ ان کا جو اختتام ہے وہ ایک گڈ نوٹ پہ نہ ہوا, پاکستان آگے نہ بڑھ سکا, اور ان کو آرچ رائیول بھارت سے ہارنے کے بعد جو ہے اپنی کرکٹ کو جو ہے وہ خیر باد کہہ رہا پڑا. بٹ دس از لائف اینڈ دس از کرکٹ, لائف ہیز ٹو موو آن اینڈ شعیب ملک ہیز ٹو موو آن. جی ذیشان, اس کے بعد میرا خیال ہے اگر ہے تو ہم بڑھ سکتے ہیں آگے آج کے میچ کی طرف, اور کیا آج ہوا ان شارٹ, اگر آپ کے پاس کچھ نیوز ہے پھر آگے میں بڑھاتا ہوں.
जी डॉक्टर साहब, जिस तरह के आज जो मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में कहा था कि आज जो दोनों मैचेस थे वो वर्ल्ड कप 2019 की जो फॉर्मेलिटी थी, जो राउंड के जो मैचेस थे वो खत्म हुए, दोनों मैच जो है एक उसकी जो बेमायने थे उसकी कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि चार टीमें जो है ऑलरेडी फ्राइडे को जो है क्वालिफाइड हो गई थी और पुख्ता हो गई थी अपने स्लॉट के लिए। तो आज जो पहला मैच खेला गया वो इंडिया और श्रीलंका के दरमियान खेला गया और दूसरा मैच था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का। तो इन दो मैचों में जो है कुछ खिलाड़ियों ने जो है खैरबाद कहा, कुछ खिलाड़ियों ने जो है आखिरी अपने वर्ल्ड कप मैच खेले, कुछ रिकॉर्ड नए बने। तो हमें पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका। रोहित शर्मा ने आपको हेडलाइन दी, रोहित शर्मा जो है लीडिंग रन टेकर हो गए हैं इस वर्ल्ड कप में और 5 भी बना चुके हैं। तो और फिर मलिंगा ने जो है अपना आखिरी वर्ल्ड कप मैच भी खेला है। तो आप क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से, फिर हम दूसरे मैच पे बढ़ते हैं जी बिल्कुल। रोहित शर्मा जो है एक अनबिलीवेबल रिकॉर्ड की जाने बढ़ रहे हैं, मलिंगा जो है आज वसीम अकरम को क्रॉस कर गए। लेकिन जीशान, हम मैच पॉइंट के जो नाजरीन है उनको ये बताना चाहूंगा कि जो आज मैच देखा हमने ये क्रिकेट की तारीख में, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि एक दिन के अंदर 500 देखे गए। वुड यू बिलीव 500 इन द वन डे ऑफ द वर्ल्ड कप गेम। एंजेलो मैथ्यूज, रोहित शर्मा, केएल राहुल, फैट डुप्लीसी, डेविड वार्नर, और यकीन करें कि ये 500 के बाद भी जो वैन ड्यूसन थे और एलेक्स कैरे वो बड़े बदकिस्मत रहे कि एक 95 पे आउट हो गए और एक 88 पे, वरना आज के दिन अब 700। वुड यू बिलीव 1987 में टोटल 100 की तादाद 6 थी और 700 आज हम देखने जा रहे थे, जिसमें से 500 हो गए और दो जो है एक नर्वस 90s का शिकार हुए, जबकि एलेक्स कैरे जो है अनफॉर्चुनेटली जो है ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरे जो है वो आउट हो गए। और आपको बताना चाहूंगा कि एंजेलो मैथ्यूज के बारे में कि आई थिंक उनका भी ये गुड बाय वर्ल्ड कप है। एंजेलो मैथ्यूज जो है वो टोटल फ्लॉप थे, फेलियर थे इस वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन जाते जाते कुछ बहारें दिखा गए श्रीलंका को, लेकिन अफसोस कि उनकी वो बहारें भी श्रीलंका के जो है वो काम नहीं आई। 300 फॉर मैथ्यूज, वुड यू बिलीव ईशान कि ये जो 100 थी मैथ्यूज की, उनकी 300 है और तीनों भारत के खिलाफ है। उनकी आज तक कोई 100 किसी और टीम के खिलाफ नहीं है, तीनों भारत के खिलाफ है। बैट्समैन ऐसे बैट्समैन जो इससे पहले जिन्होंने स्कोर की हो 3 या इससे ज्यादा 100 सिर्फ भारत के खिलाफ अपने पहले मैचों में, तो पाकिस्तान के आपने नाम लिया था अभी सलमान बट, सलमान बट जो है वो 400 बना चुके थे पाकिस्तान के खिलाफ जब उन्होंने अपने करियर का आगाज किया। जावेद मियांदाद ने 3 बनाई थी, जेफ मार्श ने 3, क्रिस केन्स ने 3, इन सब की 100 जो है वो भारत वो बदकिस्मत मुल्क था जिसने इनसे 100 खाए। इवन नासिर जमशेद के करियर की पहली तीनों सेंचुरियां जो थी वो भी भारत के खिलाफ थी 2013 की ओडीआई में। और एंजेलो मैथ्यूज जो है अब ये अगले प्लेयर बन गए। अगर अब मैं बात करूं गेल की, हेडन की और डीकॉक्स की, उनकी 4 में से जो 3 शुरू के जो 4 मैच हैं उनमें से 3 सेंचुरियां वो भी भारत के खिलाफ थी। बड़ी अजीबो गरीब दास्तान है। और जो लीड्स के अंदर एंजेलो मैथ्यूज, अब मैंने बताया आपको कि बड़े फ्लॉप रहे श्रीलंका के लिए, वो खातर खुआ कुछ नहीं कर सके, लेकिन देखे हम कहते हैं कि लीड्स का मैदान जो है पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा फेवरेबल है। एंजेलो मैथ्यूज के लिए भी हेडिंगले लीड्स का मैदान बड़ा फेवरेबल रहा। उन्होंने यहाँ पर 46 नॉट आउट की बारी खेली, उन्होंने यहाँ पर 86 नॉट आउट की बारी खेली और आज सेंचुरी बना दी। तो देखिए कि उनको ये मैदान जो है कितना रास आया, हालांकि इसको फास्ट बॉलर्स की पैराडाइज कहा जाता है और बॉल जो सीम होती है, मूव होती है, लेकिन जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंजेलो मैथ्यूज की जो 100 है 139 वर्सेस इंडिया, जो भारत के खिलाफ उनकी रांची में बनी थी 2014 में, उसमें श्रीलंका हार गया बाय 3 विकेट्स। फिर उसके बाद मोहाली में उन्होंने बनाई 2017 में, नेल्सन 111 नॉट आउट, लॉस्ट बाय 141 रन्स। और आज लीड्स में बनाई, तीनों मैचों में जो उन्होंने सेंचुरी बनाई तीनों मैच श्रीलंका हार गया। आज तक एंजेलो मैथ्यूज की जो सेंचुरी है उसकी बदौलत श्रीलंका जो है मैच जीतने में कामयाब नहीं हुए। और जहां हम बात कर रहे थे कामी की और दूसरे प्लेयर्स की जो एजेंट प्लेयर्स हैं, देखिए धोनी वहां पर एजेंट प्लेयर है आज जब भारत का मैच खेल रहे थे, लेकिन उनकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं जा रही अभी तक, क्योंकि भारत की टीम इज ऑन द विनिंग नोट, दे हैव टॉप द टेबल। वरना धोनी का आप देखें जो स्मैकिंग पावर है पाकिस्तान के खिलाफ, उनकी बॉल मिडल नहीं हो रही, रिफ्लेक्स टाइम स्लो हो गया है, आल्दो के अभी भी स्टंपिंग के अंदर 0.03 मिलीसेकंड जो है ये फास्टेस्ट टाइम है अभी भी स्टंप करने का, लेकिन धोनी के अंदर वो तेजी और वो जुरत नहीं रही
जो आज से 10 साल पहले होती थी। महेंद्र सिंह धोनी की मैं बात करूंगा कि इस वर्ल्ड कप के अंदर डू यू बिलीव वुड यू बिलीव कि मोस्ट 22 कंसीडर्ड, सबसे ज्यादा 22 देने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप के अंदर वो धोनी ने ब्रेक कर दिया है। नया रिकॉर्ड अब सामने आया है, 27-22 जो है वो धोनी ने दिए हैं इन द मिडल इन द डबल फिगर्स। इसके अलावा और किसी विकेट कीपर ने डबल फिगर्स में 22 नहीं दी। एलेक्स कैरे ने 9 दिए हैं, शाई होप ने 7 और टॉम लेथम ने 6-22 दिए हैं। तो देखिए डिक्लाइन तो वहां भी आ रहा है और धोनी ने लेकिन आप देखें ना, उन्होंने जैसे हमने पहले डिस्कस किया एक पूरी टीम तैयार कर ली है। अगर वो कल को धोनी नहीं भी है तो उन इंडियन टीम्स को कोई फर्क नहीं पड़ना। मेरा ख्याल से वो सफेदी का असर है जी, लेकिन देखिए वहीं पर मैं ये भी बड़ा हैरान हूँ कि जब ये चेन्नई सुपर किंग्स से खेलती हैं और जब ये येलो शर्ट के अंदर आती हैं, विराट कोहली जो है वो अपनी लाल शर्ट में नहीं चलते हैं, वो जब ब्लू शर्ट में आती है चलते हैं, लेकिन धोनी का जादू जो है वो फिर से जवान हो जाता है जो ही वो येलो शर्ट पहनती है। तो मुझे लगता है कि सुरेश रैना, जद्दू, ये जो केमिस्ट्री बनती है ना उनकी चेन्नई सुपर किंग्स में, दैट केमिस्ट्री इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एनी हाउ श्रीलंका जो इस मैच में गेट्स टू द 250, there has only been one 250 target जो successfully chase हुआ था। जब श्रीलंका ने आज ये मैच जब बनाया तो आम ख्याल ये था कि भारत की टीम चेस करेगी कि नहीं करेगी, क्वेश्चन मार्क थे, क्योंकि अभी तक इस वर्ल्ड कप के अंदर 250 जो प्लस टारगेट है सिर्फ वन टाइम चेज हुआ है और वो चेज करने वाली टीम कोई और नहीं बल्कि शकीबुल हसन की बांग्लादेश की टीम थी जिन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 322 रन का हदफ अबूर किया था। और ये भी आपको मैं बता दूं कि जो 300 प्लस टोटल्स थे इस वर्ल्ड कप के अंदर रजिस्टर हुए हैं वाइल बैटिंग सेकेंड ऑन 7 ओकेजन्स, उनमें से सिर्फ एक मरतबा ऐसा हुआ है जब ये टोटल चेज हुआ है और कभी भी ये टोटल चेज नहीं हुआ। आप देखते हैं कि सेमी फाइनल और फाइनल में जो बड़े मैचेस आएंगे तो वहां पर ये टोटल चेज होने में कामयाब होगा कि नहीं होगा। एक और बात बड़ी काबिले दीद थी, जब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई तो थोड़ा सा मैं आपको नजरसानी करना चाहूंगा वहां पर कि इंडिया की टीम जो है वो पहली टीम बन गई जिसने 4 सेंचुरियां जो है वो ओपनिंग पे ले लीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं अब्दुल गनी बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। जी जी गनी भाई, जी पाकिस्तान से बोल रही है, वेलकम जी अब्दुल गनी भाई। और सर ये कंसर्न ये मैं ये देखता हूँ कि मैं कहूँगा मैं कि अभी जो मेकेस वगैरह के तमाम खत्म हो चुके हैं और आप लोग भी माशाल्लाह बहुत बारीकी से यानी कि हमारी तमाम खामियों को खूबियों को आप उजागर कर रहे हैं आप, और ये तो ऐसा है कि हमारे यहाँ के पाकिस्तान की एक असल में रिवायत रही है कि हम मतलब कि हारने के बाद में या ऐसे उर्दू में कहेंगे कि साहब सांप चला जाता है, सुबह हम लकीर को जो है पीटते रहते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी मतलब ये कि जब नेक्स्ट जब कोई भी हम सीरीज वगैरह कुछ देखते हैं तो फिर हमें वही चेहरे हमें नज़र आते हैं, वही लोग नज़र आते हैं। तो ये असल में हमें सम्मेलन के बुनियादी तौर पर तो हमें जो अपना क्रिकेट का जो ढांचा है उसको ही तब्दील करना होगा इनको पूरा। और ये अकरबा परवरी का जो एक हमारे यहाँ पर एक रिवाज है हमारे यहाँ, इसको खत्म करना होगा। यानी कि खास तौर पे जो कि सिलेक्शन में या उसमें किसी भी कोई भी एक मैनेजमेंट के अंदर टीम में लोग हैं उनके जो है रिश्तेदारों को मतलब इनके बिल्कुल मतलब है कि उनको काला करना होगा उनको उन तमाम चीज़ों से, क्योंकि ये अकरबा परवरी ही मतलब हमें नुकसान पहुंचाती है हमेशा जी। और ये ऐसा के मतलब होगा और इसके यानी के साथ साथ ये कि मैं फाइनल के जो है बारे में कहूँगा जो एक मेरा राय है मुझे और मेरा ख्याल है मेरा कि फाइनल जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये शायद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में हो। ठीक है सर, ठीक है। और कुछ पूछना चाहेंगे आपने अपने बता दिए, हम भी जो है अपने दो टीमें डिस्कस करेंगे फाइनल के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया आपको फोन करने का। जी जिस तरह आप हमारे कॉलर ने पाकिस्तान से कॉल कर रहे थे अब्दुल गनी साहब, उनका मैं बहुत ममनून और मशकूर के उन्हें इस पहर जो है हमें कॉल की और हम प्रोग्राम से देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू ही हमारे साथ जो है रोजाना जुड़ते रहिएगा ये आवाज टीवी पर महेश मामी डॉक्टर अदनान। जिस तरह उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब वही बात आ गई थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच के बाद जो हमने काफी उस पर डिस्कस किया था पाकिस्तानी
फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे, स्ट्रक्चर पे, और जो खामियां हैं हमारी, जो जिस तरह हमारे कॉलर ने जो है आगाही दी हमें, तो वो हम जो बात कर चुके हैं। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के बाद जब मेजबान का जो तसलसल जो बरकरार रहेगा, तो हम इसमें जब पाकिस्तान की जो सीरीज भी आएंगी, होम सीरीज, अवे सीरीज, उस पर हम जो है बात करेंगे इंशाल्लाह खुल के। तो हमारा जो अभी फोकस है, मैं अपने देखने वाले से कहूंगा कि हम अगर वर्ल्ड कप की अगर थोड़ी सी ज्यादा बात करें तो अच्छा लगेगा, उसमें दिलचस्पी जो है पैदा हो गई। जाहिर अभी अभी गेम चल रहा है, अभी वर्ल्ड कप ऑन है, जाहिर अब सेमीफाइनल होने हैं, फाइनल होना है, तो मेरे ख्याल से हम क्या कहेंगे डॉक्टर? हम बात करेंगे, लेकिन जिशान की बात से एग्री करता हूं कि अभी हम रोजाना जो है वो गेम वाइज फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप गेम्स हो रहे हैं, बहुत सी इंडियन फैंस हमें सुन रहे हैं, दूसरे बांग्लादेशी फैंस देख रहे हैं, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। हम बाकी उसमें आएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल पाकिस्तान पे क्यों नहीं आएंगे, आएंगे पाकिस्तान पे डिटेल से आएंगे। तो भारत की जब बैटिंग का आगाज हुआ तो मैं बात कर रहा था कि बड़ा जबरदस्त एक चीज सामने आई कि इंडिया बिकेम द फर्स्ट टीम जिसने 4 सेंचुरी ओपनिंग पार्टनरशिप स्टैंड दिए। और मुझे जो चीज बड़ी अच्छी लगी इसमें जीशान, वो ये थी कि देखें धवन के जाने के बाद अगर और कोई टीम होती तो वो सोचिए कितना बुरी तरह से मुतासर होती और अपसेट होती, लेकिन धवन के जाने के बावजूद जो है राहुल जो है उसी कंसिस्टेंसी से जुड़े रोहित शर्मा के साथ, और मजाल है जो स्कोरिंग टाइम में कमी हुई, पार्टनरशिप जो है वो 189 की आज रिकॉर्ड बन गया है वर्ल्ड कप का भारत की जानिब से, शर्मा और जो राहुल की 189 की। और इसके अलावा फर्स्ट टाइम राहुल के करियर में हुआ बैक टू बैक 50s, और ओनली टू मैन 142 साल हिस्ट्री के अंदर ये रिकॉर्ड बना है इंटरनेशनल क्रिकेट का जब किसी ने 5 सेंचुरीज इन द टूर्नामेंट किए हैं। जैसा कि आपको बताया था इसके शुरू में कि रोहित शर्मा जो है उन्होंने ऑल टाइम बेस्ट जो है वो रिकॉर्ड तोड़े हैं। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप 2019 में यह कारनामा सर अंजाम दिया है, और क्रिकेट की तारीख में सर क्लाइड वॉलकॉट ने टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1955 में यह कारनामा सर अंजाम दिया था, वरना बैक टू बैक इस तरह का कारनामा क्रिकेट की तारीख में हमने कभी नहीं सुना। रोहित शर्मा की मैं आपको बताना चाहूंगा बात, देखिए हम जो कहते हैं कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद कहां था और इंडिया कहां था, आप हैरान हुए बगैर नहीं रहेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 से पाकिस्तान का आप डिक्लाइन देखें, जिसपे पाकिस्तान के कप्तान बुरा भी मान गए थे जब उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। और आपको मैं टीम इंडिया का बताता हूँ कि 2017 से पहले रोहित शर्मा के 1000 थे 147 इनिंग्स में, और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ऑनवर्ड्स उनके 61 इनिंग्स में 1700 थी। वुड यू बिलीव, आप कंसिस्टेंसी देखिए 1700, इट इज नॉट अ जोक। और ओडीआई 100 अगर देखती है जनवरी 2017 के बाद 17 सेंचुरियां लगाई रोहित ने, और 15 लगाई कोहली ने, 9 लगाई बेयर स्टो ने, और कोई भी खिलाड़ी इंडियन बैट्समैन के अलावा डबल फिगर्स के अंदर नहीं है। ओवरऑल एक और बड़ी जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है आज के मैच में, बल्कि इक्वल हो गया है कि मोस्ट वर्ल्ड कप सेंचुरीज में जो ऑल टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो सचिन रमेश तेंदुलकर का है, जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप के अंदर 45 मैच खेलने के बाद जो है वो 6 सेंचुरियां बना रखी है। आज ये रिकॉर्ड जो है बराबर हो गया है। अब 2 वर्ल्ड, वुड यू बिलीव, 6 वर्ल्ड कप के अंदर तेंदुलकर ने 6 सेंचुरियां बनाई, रोहित शर्मा ने 2 वर्ल्ड कप के अंदर 16 मैच खेल के 6 सेंचुरियां बनाई, और अभी 2 मैच बाकी हैं और शायद ये रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हो जाए। जाते जाते इस मैच से जाते जाते लतीश मलंगा, उनको जिक्र ना करना बड़ा ज्यादती होगी, he called it a day for him in the Sri Lanka, उनका goodbye game था, last game था श्रीलंका के लिए वर्ल्ड कप के अंदर। लतीश मलंगा की 56 विकेट्स हैं वर्ल्ड कप के अंदर, ये थर्ड मोस्ट विकेट्स हैं रिकॉर्ड। आज उन्होंने वसीम अकरम का 55 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ओनली बॉलर टू टेक 10 विकेट्स इन 4 वर्ल्ड कप एडिशंस, ओनली बॉलर टू टेक 4 विकेट्स इन 4 बॉल्स, ओनली बॉलर टू टेक 2 हैट्रिक्स, और मोस्ट विकेट्स इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री के अंदर 71 पे ग्लेन मैकग्रा बैठे हुए हैं, 68 पे मुरलीधरन है उनके टीममेट, और अब 55 का वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ के वो 56 पे आ गए। और अगर मैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड पे आऊं तो रोहित शर्मा वहां पर लीड कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2019 के अंदर 4 मैन ऑफ द मैचेस के साथ। शकीब बाहर हो चुकी हैं, कोई चांस नहीं है उनका, 3 मैन ऑफ द मैच थे, लेकिन जो रोहित शर्मा के साथ दौड़ में लगे हुए हैं वो डेविड वार्नर है, क्योंकि डेविड वार्नर के 3 मैन ऑफ द मैच है। अगर वो सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच दे देते हैं तो वो रोहित शर्मा के बराबर खड़े होंगे। और इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा कि अब जो सेमीफाइनल लाइनअप है उसके अंदर जो हिट लिस्ट के ऊपर जो रिकॉर्ड्स ब्रेक होने जा रहे हैं वो इट विल बी ऑल कॉन्टेस्ट इन बिटवीन केन विलियमसन, रोहित शर्मा,
एंड रोहित शर्मा और डेविड वार्नर, ये तीन नाम ऐसे होंगे जहां पर रिकॉर्ड्स ब्रेक होंगे। और इसके अलावा एक और जो जंग छिड़ने लगी है वो ट्रेंट बोल्ट वर्सेस मिचेल स्टार्क, देखते हैं कि इनमें से कौन का मैप होगा। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मिचेल स्टार्क जो है उनका पल्ला भारी होगा, क्योंकि उनके पास क्वालिटी है, उनके पास डेप्थ है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास स्पार्क है। जी आमिर जी बिल्कुल, मैं जिशान की तरफ से क्विकली पढ़ता हूँ, मेरे ख्याल उनके पास अनाउंसमेंट है मैच पॉइंट से, जाहिर है अब सेमीफाइनल्स हो रहे हैं, तो जिशान आप थोड़ा सा देखने वालों को बताएंगे अब हम कवरेज के हिसाब से और हम जो है सेमीफाइनल्स को किस तरीके से कवर कर रहे हैं। फिर हमने एक बात की थी दंगल की, तो मेरे ख्याल से वो भी डिस्क्लोज कर लें क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम जो है वो एंडिंग की तरफ है। जी जिशान जी आमिर, मैं थोड़ा सा जो है आज जिसका मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, मैं डॉक्टर साहब को कहूंगा कि इसमें सिर्फ दो मिनट हम लेंगे और फिर बात करेंगे सेमीफाइनल की, क्योंकि कल मैच नहीं है, संडे और मंडे को जो है वो आराम का दिन है। ट्यूसडे यानी मंगल के रोज जो है पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान ओल्ड ट्रफ मैनचेस्टर में, और आज जो और दूसरा जो सेमीफाइनल खेला जाएगा वो खेला जाएगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान थर्सडे को एज वेस्टर्न ब्रिंगिंग में। तो उसके हम बात करेंगे, कल भी हमारा इंशाल्लाह शो होगा उस पे सेमीफाइनल में हम मजेदार बात करेंगे। आज जो मैच हुआ साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से जो है पहली सेंचुरी बनी है इस वर्ल्ड कप में, वो सेंचुरी बनाई है डुप्लेसी ने, दूसरी बन सकती थी जो डूसान जो है, जिस तरह डॉक्टर अदनान ने प्रोग्राम के इख्तिताम में कहा था कि कितनी सेंचुरियां हैं टोटल लग चुकी है। तो ये स्कोर कार्ड जो है आपके सामने है, साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए जो है भारी टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है 315 और फिर डेविड वार्नर ने जो है आज सेंचुरी की है। तो डॉक्टर अदनान, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा जो सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड है वो रिकी पॉन्टिंग के पास है जो 29 है, यानी 29 सेंचुरी उन्होंने बना रखी है। दूसरे नंबर पे वार्क वा उनके सेंचुरी की तादाद है 18, और तीसरे नंबर पे आज उन्होंने जो है एडम गिलक्रिस्ट को जो पीछे छोड़कर जो 17 उनकी जो है सेंचुरी की तादाद हो गई है। तो ये इसमें डेविड वार्नर को मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़ी सी आप हाईलाइट कर दें, और दो साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी हैं जिन्होंने आज जो है अपना आखिरी वनडे क्रिकेट खेला है, उन्होंने क्रिकेट वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, तो उनके हम बात करते हैं, और फिर जो है हम अपने जो हमारी जो फाइनल्स होगी वो जो हम दंगल खेलने जा रहे हैं उस पर हम दो तीन मिनट लेंगे, फिर हम जो क्विकली करेंगे क्योंकि हमारा टाइम जाहिर है एंडिंग की तरफ है। बिल्कुल, निशान इमरान ताहिर ने आज जो है ही कॉल्ड इट अ डे, हाशिम आमला का भी ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा, लेकिन चूंकि आज टाइम कम है तो कल के शो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड कप से खैर बात करने वाले खिलाड़ी थे वो किस किस वर्ल्ड कप में किस किस ने खैर बात कहा, तो बड़े बड़े नाम है जिनका करियर जो है वो वर्ल्ड कप पे खत्म हुआ, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन इस मैच के हवाले से जो आपने बात की, इंशाल्लाह इस मैच के हवाले से बात की, तो मुझे ड्यूसन का बड़ा अफसोस था कि ड्यूसन ने बड़ी अच्छी बारी खेली, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि वो सेंचुरी बनाने से सिर्फ 5 रन, डेविड वार्नर सेंचुरी बनाने के बाद भी अपनी टीम को न जितवा सके। लेकिन दोबारा देखिए स्कोर कार्ड के अंदर आपको नीचे मिचेल स्टार्क का नाम नजर आ रहा है, 9 overs 2 for 59, what a amazing player he is, what a amazing attacker Australia has got in the shape of Mitchell Stark, what a amazing combo it was when Mitchell Stark was along with the Mitchell Johnson. Aapko batana chahunga ki Mitchell Stark World Cup games ke andar he never gone wicketless in the 17 games he played, kabhi bhi aisa ek naya record hai ki 17 games ke andar World Cup game ke andar jab se unka career shuru hua hai he never remained wicketless. जो दुनिया के टॉप नाम है ग्लेन मिग्रा द मोस्ट विकेट गेटर 74 और वसीम अकरम जो पाकिस्तान से, वो बेशुमार मैचेस ऐसे थे जहां पर वो विकेटलेस रहे, मिचेल स्टार्क ने कोई मैच ऐसा नहीं छेड़ा जहां पर उनको विकेट ना मिला हो, और पिक्ड एटलीस्ट 2 wickets इन द 15 ऑफ द 17 गेम्स, उनका कंसिस्टेंटली जो है वो स्ट्राइक करते रहे, दैट्स व्हाई ऑस्ट्रेलिया इज द टॉप क्लास टीम। ठीक है जी आमिर जी, मेरे ख्याल से आप क्विकली जिशान की तरफ बढ़ते हैं, जिशान जो है वो दंगल की बात कर रहे थे क्योंकि फिर हम जो है मैच के क्लोज। जी जिशान बिल्कुल, दंगल मेरे ख्याल से हो जाए, तमाम देखने वाले काफी देर से इस दंगल का वेट कर रहे हैं, तो वो बताइए हमारे देखने वालों को आज का दंगल क्या है। जी, जो सेमीफाइनल के जो है 4 बेस्ट टीमों का अनाउंसर हो गया और इसका आगाज जो है ट्यूजडे से होगा, और मेरी जो 2 टीमें हैं जो फाइनल खेलेंगी वो होंगे इंग्लैंड और इंडिया। जी डॉक्टर अदनान, आपकी आप दोनों की ये डॉक्टर अदनान ये वही बात कहता, पहले इसने जो है वो 4 बता दी थी कि ये होंगी, अब देखिए मैंने 2 बता दी, मेरे 2 जो फेवरेट है जो मैं इसको समझता हूँ। जी डॉक्टर अदनान, अच्छा तो मसला ये है ना, ये गलत किया ना आपने, पता कि इस पे पर्ची होनी चाहिए थी, इस पे पर्ची लेके रखनी थी, हाँ, और सबने पर्ची शो करनी थी क्योंकि ये तो गड़बड़ हो गई ना। ये, अब ये अगर मैं कहूंगा यही कहूंगा तो कॉपी हो जाएगा, अब ये बड़ा प्रॉब्लम है।
लेकिन हमने ये चले, आप दोनों कल जो है, आप दोनों जो है कल पर्चियां डाल दीजिएगा और कल जो है हम लाइव ये जो है नहीं, वो तो फिर अंदाजी करेंगे आपके सेमीफाइनल के, दोनों सेमीफाइनल होने के बाद फिर हम बताएंगे कि फाइनल जो है वो क्या खेल रहे हैं। देखिए मजा उसमें कि सेमीफाइनल से आप पहले बताएं, देखिए सेमीफाइनल से पहले मैंने बता दी हाँ। मजा देखें उसी में, जैसे हमारे साथ कॉलर आए थे उन्होंने जी बिल्कुल, उन्होंने भी जो हमसे उनकी अपनी फेवरेट जो जो टीमें थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया उन्होंने कहा था, तो लेट्स सी तो आपको पता है अगर आप चाहते हैं आप क्या कह रहे हैं फिर, वो कहते हैं ना कि पर्ची डाल रहे हैं फिर। देखिए अब इसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दो टीमें बतानी है, ये साइंटिफिकली बतानी है पेपर्स के ऊपर या दिल की बात सुननी है या दिमाग की बात। देखें डॉक्टर दान अब तो दिल वाली टीमें दो और हैं और दिमाग वाली टीमें दो और हैं। देखें अब क्योंकि आप कहते हैं ना कि अब हम जो है ना वो डोर क्लोज होने वाला है, ये सेमीफाइनल है उसके बाद फाइनल हो जाना है, तो अब दिल हो दिमाग हो स्टैट्स हो कप ले जाना है फिर किसी एक टीम को, जो क्रिकेट की टीमें जो गट फीलिंग आ रही है मुझे जो राइज होता है ना अचानक, देखिए दिमाग तो मानता है कि ये वर्ल्ड कप जो है ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप है ठीक है, लेकिन जो दिल कहता है कि जो कुछ किलबिली मची हुई है जो मेरे दिल में कि जो अचानक जो एक अफरा तफरी होती है पाकिस्तान वाली जी। ये वर्ल्ड कप लेने वाली अगर किसी ने ऑस्ट्रेलिया से ये वर्ल्ड कप खींचा तो वो टीम कोई और नहीं बल्कि केन विलियमसन की न्यूजीलैंड टीम है। अच्छा ये आप कह रहे हैं, अच्छा मैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट आप कह लें, अब आप इतनी बात हो गई, मुझे ऐसा लगता है कि जो है वो इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड को हरा देगा, मतलब हाँ मतलब कह लें कि इंडिया यस, मुझे लगता है कि इंडिया के जो है वो चांसेस ज्यादा है ऐसे मुझे लग रहा है भारत के जी भारत, क्या कहेंगे बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियन भारत जो है वो बिल्कुल केपेबल है मेरे से। मैंने फाइनल आपने बता दिए तो इंडिया जीतेगा और वहां से जो है मुझे मुझे लगता है कि इंग्लैंड की ज्यादा सबकत है ऑस्ट्रेलिया में आजो क्या ऑस्ट्रेलिया के लिए जब ऑस्ट्रेलिया खेलने पर खासकर जिस तरह के बड़े मैच के प्लेयर्स इनके सारे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इंग्लैंड को जो है ना वो उड़ा देगा इन द रीसेंट। बिल्कुल आमिर मैं देखें वही बात जो हम डिस्कस करते रहे, देखें इन द रीसेंट ईयर्स अगर मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा फिर वो आप कहेंगे कि यार डॉक्टर साहब वो 1975 में चले गए नहीं, वो हम कल करेंगे बिल्कुल करेंगे हम कल ठीक है, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं रीसेंट डेकेड में जाऊं इन द रीसेंट डेकेड ऑस्ट्रेलिया डेथ गेम्स हारने की रवायत नहीं रखता, बिल्कुल दे डोंट लाइक लूजिंग द डेथ गेम्स। यस ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो बहुत स्ट्रांग फाइट देगी, डेथ गेम्स नहीं करती, इंग्लैंड को सिर्फ एक ही एज है जो एच है कि वो उनका होम ग्राउंड है, लेकिन अगर आप चोकर्स की बात करते हैं तो जितना इक्विवेलेंट न्यूजीलैंड चोकर है उतना ही इक्विवेलेंट इंग्लिस्तान की टीम चोकर है, और इस बात में मुझे कोई हार नहीं कहने में कि अगर इंग्लिस्तान की टीम ये वर्ल्ड कप नहीं जीतती तो शायद अगले 20 साल भी वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे। बेस्ट टीम इस वक्त इंग्लैंड की, इस वक्त बेस्ट टीम है जी, शायद उनको जेज की इतनी जो तादाद में जो जेज है वो इनको इनको अवेलेबल ना हो, बिल्कुल ना, जितनी स्टेबिलिटी में इनकी बैटिंग जेज है इनकी क्रिकेट की तारीख के अंदर अगर कोई टीम थी जो इस कैलिबर की जिसमें स्ट्रॉन्ग बैट्समैन थे तो वो 1992 की टीम थी जहां पर एल एल डैम ग्राम नीचे बैटिंग खत्म नहीं होती थी, उसके बाद मुझे ग्राम ब्रदर्स कल जो इंशाल्लाह बात करेंगे सेमीफाइनल जो है खेला जाएगा तो कल और परसों बात करेंगे तो हम दंगल आप हमारे देखने वालों से क्यों नहीं पूछ लेते। जी जी मैं उसी बात पे आ रहा था, हमारे जो देखने वाले हैं उनके जो है स्पेशली प्रोग्राम के जो आखिर में जो 10-15 मिनट होंगे हम अपने कॉलर से पूछेंगे कि उनकी जो है दो फेवरेट टीम कौन सी है, तो उसमें जो है आपकी समझ अगर रहेगी तो हमें ज्यादा मजा आएगा। तो कल और परसों इंशाल्लाह जो है इस पर हम तफसीली बात करेंगे और डॉक्टर अदनान जो है आपको मजेदार जो है चीवे भी लेके आएंगे और बताएंगे। और मैं कहूंगा डॉक्टर अदनान मेरे ख्याल से किलर फैक्टर की जो है ना वो मुझे लगता है कि दो दिनों में जो हमारे जो होने वाले मैच पॉइंट्स की एपिसोड्स, तो मुझे लगता है कि वो किलर फैक्टर जो है ना हमारे देखने वालों के लिए होना चाहिए।
जी आमिर बिल्कुल, मेरा किधर फैक्टर बिल्कुल तैयार है, लेकिन आज मैं उसको नहीं दे रहा, कल 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 परसों करेंगे। हाँ कलम कर से करेंगे, किलर फैक्टर जो है ये सेमीफाइनल से पहले डिस्कस होना जरूरी है। जी बिल्कुल, वही मैंने कहा, इसको जो समरी तैयार की गई है किलर फैक्टर की, दिस इज बिफोर द सेमीफाइनल गेम। सेमीफाइनल गेम तैयार होने के बाद जो है इसमें रद्द बदल हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये सेमीफाइनल से पहले इसको जरूर डिस्कस करें, ठीक है। तो तमाम देखने वालों से कहेंगे कि आप लोगों का बहुत हमारे साथ जुड़े रहते हैं, बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर भी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं और टेलीविजन पर भी जो है लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और हम जो है बिल्कुल कोशिश करते हैं कि एक अच्छा जो है वो प्रोग्राम आपके सामने लेके आए, जिसमें आपको कंटेंट भी मिले, कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन मिले और हम थोड़ा बहुत फ़न भी उसमें रखें, इंटरटेनमेंट भी रखें, ताकि वो आपको ऐसा लगे कि ये बोरिंग हो रहा है। तो मुझे जी जी। मेरे ख्याल से मुझे डॉक्टर अदनान को और जिशान को जो है वो आज के प्रोग्राम के लिए जो इजाज़त दीजिए, मैच पॉइंट की पूरी टीम को, प्रोडक्शन की टीम को। हमारे साथ जो है वो आज ऑपरेट में थे जो है वो हुज़ैफ़ा थे, और हमारे साथ आज, अच्छा डॉक्टर अदनान, आज हमारी प्रोडक्शन टीम माशाल्लाह बढ़ती जा रही है, तो आज हमारी कॉल सिस्टम्स, ऑल दो के हमारे पास इतनी कॉल्स नहीं थी, लेकिन हमारे साथ जो है वो हुज़ैफ़ा थे और हमारी एक फ़ीमेल जो है वो ऐड हुई है जोहा, वो हमारे साथ जो है इसमें हमारे साथ जो है वो ऑपरेट सारा पीछे प्रोडक्शन टीम में देख रही थी। तो उन सब की तरफ से जो है वो हम अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल सेहत रही और ज़िंदगी रही तो एक बार फिर शामिल होंगे इसी मैच पॉइंट पे, ई आवाज़ पे, रात 9 बजे टोरंटो और न्यूयॉर्क टाइम। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Been largely responsible for our goal the last The fans broke up. That is a thrill of joy. And England. The biggest cricket event has begun. Yes, ICC Cricket World Cup 2019. आपके लिए लेकर आए हैं क्रिकेट का सबसे बड़ा शो नॉर्थ अमेरिका में। हम आपको देंगे लेटेस्ट न्यूज, इनसाइड एंड आउटसाइड अपडेट, मैच एनालिसिस, टीम एंड प्लेयर स्टैट्स, ट्रिविया क्वेश्चन, सरप्राइज इंटरव्यू एंड एक्साइटिंग प्राइजेस। देखिए मैच पॉइंट रोजाना रात 9 बजे डॉक्टर अदनान के साथ सिर्फ ई आवाज़ टीवी पर, फेसबुक ई आवाज़ या फिर eawaz.com।